क्यों बे मजदूर के बच्चे, तुझे मजदूरी ज्यादा चाहिए, नहीं तो हमारे मालिक के फार्म में काम नहीं करेगा। अब आप ही बताइए ना मुनीम जी, जो मजदूरी हमारे बाप दादा के जमाने में मिलत रहा वही मजदूरी आज भी मिलत है, ये महंगाई के जमाने में हम अपने बाल बच्चे का गुजारा कैसे करी? जो मजदूरी हम दे रहे हैं उसी में काम करना होगा, नहीं तो तेरे बाल बच्चे ही नहीं रहेंगे। ये तो जबरदस्ती बा, अब हमको नहीं पोसा था तो के बच्चे मारो साले को, मारो मारो मारो। इधर सारे आदमी मिलकर एक बुजुर्ग को मार रहे हो? डॉक्टर साहब आप दवा खाने में जाकर लोगों को सुई लगाइए, हमारे मामले में टांग मत अड़ाइए। मेरे होते हुए इस गरीब को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मारो इसे भी। मालिक आप हमारे सरपंच हैं, इस गांव के कानून हैं, न्याय हैं, धर्म हैं, आपकी इच्छा के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और जब से आपने अपनी बेटी की शादी एक बड़े मंत्री के साथ करके उन्हें अपना दामाद बना लिया है, आप किसान का झंडा और भी ऊंचा हो गया है। हाँ, हिमालय से भी ऊंचा। अरे बेवकूफों, हमारी बेटी से शादी करके उस मिनिस्टर की शान बढ़ गई। मालिक, ओहो अब क्या हो गया, इस तरह हाँफते हुए क्यों आ रहे हो? उस डॉक्टर विजय वर्मा ने सब गड़बड़ कर दिया। क्या पक्के हो? आपके हुक्म के मुताबिक हम मजदूर रामू को मार रहे थे, इतने में डॉक्टर वर्मा ने आकर हम सब पे हमला कर दिया और हमारे आदमियों की मरम्मत कर दी। उसकी इतनी हिम्मत? चाचा ये सरपंच तुम लोगों पर इतना जुल्म करता है, तुम लोग उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हा? पुलिस में जाकर रिपोर्ट क्यों नहीं कर देते? डॉक्टर बाबू, इस सरपंच के खिलाफ लड़ने का हिम्मत किसमें बा? आप देखा नहीं, हम जरा सा मजदूरी बढ़ाने को कह रहा तो हमारा हाथ तोड़ दिया। हम गरीबों की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं डॉक्टर बाबू। घबराओ मत चाचा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दिनेश जी सर, रामू चाचा का बयान तैयार है ना? तैयार है। ले अभी लाया। मैंने धर्मराज के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी है, उस पर अंगूठा लगा दीजिएगा, मैं आपको इंसाफ दिलाकर रहूंगा। नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, सरपंच के खिलाफ शिकायत, वो हमरा दूसरे हाथ में तुड़वा देगा, हमको जान से मरवा देगा। इसी तरह डर डर के तुम्हारे पुरखों ने तुम्हें गुलाम बना दिया है। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे बाल बच्चे भी गुलाम बनकर जिंदगी गुजारें, कायरों और जानवरों की तरह जिए? कभी ना कभी तो इस गुलामी का अंत लाना ही होगा। बहुत अच्छे डॉक्टर बाबू, आप यहाँ गांव वालों का इलाज करने आए हैं, वही करें तो अच्छा रहेगा। इस गांव वालों की सबसे बड़ी बीमारी है दर्द, और मैं उसी बीमारी का इलाज कर रहा हूँ। कागज पर अंगूठा लगवा के इन्हें मेरे खिलाफ भड़का के, इन्हें इनके अधिकार बता के, और इन्हें ये याद दिला के कि हिंदुस्तान को आजाद हुए कई साल हो गए और अब ये गुलाम नहीं रहे। देखो डॉक्टर बाबू, जिन लोगों के भाग्य में गुलामी लिखी है वो तो गुलामी रहेंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम भी समझदार बच्ची की तरह अपना मुंह बंद रखो और जो चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि तुम इनका भाग्य तो सुधार नहीं सकते। हाँ, अपना भाग्य जरूर बिगाड़ लोगे, समझे?
इसे खुद अपने हाथों से फाड़ देना। गणेश। जी सर। ये ले जाकर शहर के पुलिस स्टेशन में दे दो। लेकिन वो सरपंच साहब ने। जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो। ठीक है। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। सरपंच यहाँ के सबसे ताकतवर आदमी हैं और सबसे खतरनाक भी। उनसे दुश्मनी करके नुकसान हमारा ही होगा। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उसके अत्याचारों को देखकर भी चुप रहूं? गरीबों पर जो जुल्म हो रहे हैं उन्हें होने दूं? देखो, हम यहाँ गरीबों का इलाज करने आए हैं। यहाँ की राजनीति से हमें क्या मतलब? यही तो हमारे देश की बदकिस्मती है। भले बाजार में सबके सामने एक इंसान दूसरे इंसान का खून कर देता है और हम कहते हैं कि इससे हमें क्या मतलब। एक गुंडा किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी को उठाकर ले जाता है और बलात्कार करता है और हम कहते हैं कि इससे हमें क्या मतलब। मतलब है क्योंकि ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है और ये समाज को बिगाड़ने वाले गुंडे और बदमाश ही नहीं बल्कि शरीफ इंसान भी है जो सब देख कर चुप खड़े रहते हैं और कहते हैं कि इससे हमें क्या मतलब। लेकिन आप तो जानते हैं सारा गाँव सरपंच से डरता है। कोई आपका साथ नहीं देगा। आप अकेले क्या कर सकते हैं? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ आरती। एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी आग फैला सकती है। जब एक आदमी हिम्मत करता है ना तो उसके साथ 10 आदमी और हिम्मत करते हैं, 10 से 100, 100 से 1000। इन जुल्म और अत्याचारों के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो ये आवाज मैं प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगा, जिन्हें गाँव की खुशहाली और तरक्की में बहुत दिलचस्पी है। एक न एक दिन मैं सरपंच की तानाशाही को खत्म करके रहूंगा। अच्छा, चोटी के भी पर निकल आए, बच्चू प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा। हाँ मालिक, हमारे गांव के लोग कितने फरमा बरदार हैं, कितना डरते हैं आपसे। आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत भी नहीं कर सकता कोई, मगर ये डॉक्टर का बच्चा लगता है गांव वालों के भेजे में अकल भरकर उनको हमारे खिलाफ भड़का देगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारा तो इस गाँव में रहना मुश्किल हो जाएगा मालिक। मुनीम जी। जी मालिक। इस गाँव में हमारे सिवाय कोई दूसरा अकलमंद नहीं रहना चाहिए। सुनिए। जी मालिक। तुझे इतना प्यार करे, तुझे कितना प्यार करे, तुझे इतना
क्या बात है? आज एकदम सच धज के प्यारी दुल्हन जैसी लग रही, खास बात है? याद नहीं, आज हमारी शादी की सालगिरह है। गॉड! आज का दिन मुबारक। बोलो क्या चाहिए? बस सिर्फ आशीर्वाद दो कि मैं सारा जीवन तुम्हारी सेवा करती रहूं। अरे ऐसा घिसा पिटा पुराने किस्म का आशीर्वाद नहीं दूंगा, दूंगा तो एकदम लेटेस्ट आशीर्वाद दूंगा। मम्मी डैडी, मैं इतनी बड़ी यहाँ बैठी हूँ, आप मुझसे आशीर्वाद नहीं लेंगे? इधर आइए। अब भी आए बेटे? दादी माँ, आशीर्वाद तो? ये सब तो पुरानी स्टाइल का आशीर्वाद है, मैं भी आपको नई स्टाइल का आशीर्वाद दूंगी। I love you my darling. अच्छा। मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब, सुबह सुबह इधर। तबीयत तो ठीक है ना? आपके खिलाफ शिकायत है। शिकायत? जी। मेरे खिलाफ? क्या बात है? अभी मालूम हो जाएगा, मुझे आपके दवाखाने की तलाशी लेनी है। चलिए एक मिनट, चाबी लेकर आता हूं। ओके। आइए, शौक से चेक कर लीजिए। चलो पूरे दवाखाने की तलाशी लो। डॉक्टर साहब जी, इस अलमारी में क्या है? दवाइयां। इसे खोल कर दिखाइए। श्योर। डॉक्टर साहब, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर विजय वर्मा, आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं? जज साहब, डॉक्टरी पास करने के बाद बहुत से डॉक्टर अपनी पढ़ाई का खर्चा सूद के साथ वसूल करने के लिए अपने पेशे को व्यापार बना लेते हैं, लेकिन मैंने इसे व्यापार नहीं बनाया, बल्कि गांव जाकर गरीब किसानों की सेवा की। यह मेरा पहला अपराध है। इंसानियत के नाते उस गांव में होते हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई, कमजोरों को बचाने के लिए गुंडों से लड़ा, यह मेरा दूसरा अपराध है। देश आजाद होने के बाद भी गांव वालों को गुलाम बनाकर उनका खून चूसने वाले धर्मराज जैसे सरपंचों का गुलाम बनना मैंने स्वीकार नहीं किया, यह मेरा तीसरा अपराध है। और मेरा कोई अपराध नहीं है जज साहब, मैं निर्दोष हूं। योर ऑनर, कुछ अच्छे काम करने से अपराधी का अपराध कम नहीं हो जाता। यह साबित करने के लिए कि डॉक्टर वर्मा ने अपने असिस्टेंट दिनेश लाल का खून किया है, मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है डॉक्टर वर्मा? इंस्पेक्टर सिंह जब आपके दवाखाने की तलाशी लेने के लिए गए तो दिनेश लाल की लाश कहां थी? दवाओं की अलमारी में। अलमारी की चाबी किसके पास थी? मेरे पास। दवाखाने की चाबी किसके पास थी? वो भी मेरे पास थी। यानी कि दवाखाना बंद था, अलमारी बंद थी और दोनों चाबियां आपके पास थी, तो फिर दिनेश लाल की लाश वहां कैसे पहुंची? बहुत आसान बात है। कैसे? जिस गांव में जिंदा लाशों से काम कराया जाता है, उन पर राज किया जाता है, वहां एक मुर्दा अलमारी में छुपाना कोई बड़ी बात नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि दिनेश लाल का खून मैंने नहीं बल्कि धर्मराज ने किया है। आपके पास ऐसा सोचने की कोई वजह है, कोई सबूत है? वजह भी है और सबूत भी है जज साहब। वजह यह है कि श्री धर्मराज जी के आदमी एक गरीब मजदूर रामू को पीट रहे थे, मैंने उसे बचाया और मरहम पट्टी करने के लिए दवाखाने ले गया। उसी वक्त धर्मराज जी वहां आए और मुझे धमकी दी, कहने लगे कि अगर मैंने पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा। ये झूठ है, मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी हुजूर। ये सच है जज साहब, और इस सच का गवाह मजदूर रामू है, बुलाकर पूछ लीजिए। रामू हाजिर हो। हम जो कुछ कही सच सच कही, सच के सिवा कुछ ना कही। रामू जी, डॉक्टर वर्मा के असिस्टेंट दिनेश लाल के खून के बारे में तुम क्या जानते हो? डॉक्टर बाबू बहुत अच्छे आदमी है साहिब, पर ये दुनिया
अच्छे आदमी का कदर नहीं करता, यहां तक कि इनका पत्नी ने भी इनका कदर नहीं किया। घुमा फिरा के बात मत करो, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। कहा बताई माई बाप, एक दिन हमरे हाथ में चोट लग गए रहा, डॉक्टर बाबू ने हमरे हाथ में पट्टी बांधा और कहा कि दवाखाने में ही आराम कर लो। हमरा नींद लग गया साहेब, और जब हमरा आंख खुला तो कहा देखा था कि डॉक्टर बाबू का बीबी और दिनेश लाल। बीबी और दिनेश लाल क्या कर रहे थे साहेब? ये बात तो हमको बताने में ही शर्म लागत है। अदालत में शर्माने से काम नहीं चलेगा। क्या देखा तुमने? हमको देखते ही दोनों धड़ से उठ गए और जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे। नहीं, नहीं जैसा, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बात पर विश्वास मत कीजिए। क्यों रामू, डॉक्टर बाबू ने तुम्हारी इतनी मदद की, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो? ऑर्डर ऑर्डर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद माई बाप, हमने जाकर के डॉक्टर बाबू को सच्ची सच्ची सब कुछ बता दिया। फिर डॉक्टर बाबू गुस्से में लाल हुई कवा और दांत किटकिटाकर कहने लगे, मैं उस नमक हराम दिनेश लाल को नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद डॉक्टर बाबू ने दिनेश लाल का खून कर दिया और उसकी लाश को उठाकर के अलमारी में छिपा दिया। दैट्स ऑल योर ऑनर। डॉक्टर वर्मा, आपका गवाह आप ही के खिलाफ बयान दे रहा है, इस बारे में आपको कुछ कहना है? कहना है जज साहब, कहना है, यही कहना है कि आज सच्चाई बिक गई है, खरीद ली गई है, और एक झूठ के माथे पर सच्चाई की मोहर लगाकर उसे गवाही के कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। मगर मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि मुझे खूनी साबित कर दिया गया है, लेकिन इस बात का अफसोस और दुख जरूर है कि भरी अदालत में मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी को, मेरी गंगा जैसे पवित्र पत्नी को बच्चे रन कहा गया है, उस पर कलंक लगाया गया है, और मैं खड़ा देखता रहा, कुछ ना कर सका। जज साहब, वो पति जो अपनी पत्नी की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं सारे गुनाह कबूल करता हूं और आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मुझे जल्द से जल्द मौत की सजा दे दीजिए। गवाहों के बयानात से यह साबित हो चुका है कि डॉक्टर विजय वर्मा ने दिनेश लाल का खून किया, लेकिन चूंकि यह खून वक्ती जज्बात के तहत हुआ है, अदालत डॉक्टर विजय को 7 साल की कड़ी सजा सुनाती है। अंधेर मचा है, चारों तरफ अंधेर मचा है, पानी महंगा सस्ता खून, कोई बताए ये है कैसा कुदरत का कानून। चारों तरफ अंधेर मचा है, पानी महंगा सस्ता खून, कोई बताए ये है कैसा कुदरत का कानून, कैसा कुदरत। किसने किया अपराध यहाँ पर, कौन बना है बंदी? किसने किया अपराध यहाँ पर, कौन बना है बंदी? ऊपर वाले तेरी दुनिया इतनी हो गई गंदी रे गंदी, इतनी हो गई गंदी। देख रहा है सबका तमाशा कुदरत का कानून, कुदरत का कानून। चारों तरफ अंधेर मचा है, पानी महंगा सस्ता खून, कोई बताए कुदरत का कानून, कैसा कुदरत का कानून। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डॉक्टर की बीवी आरती को अदालत ने बच्चलन और वेश्या ठहराया है। अगर इसे यहां रखा गया
तो ये इस गांव को गंदा कर देगी और यहाँ के भोले भाले लोगों को बिगाड़ देगी। क्या आप चाहते हैं कि इसे इस गांव में रहने दिया जाए? बोलिए, पंचों और जनता की क्या राय है? धर्मराज, इससे पहले कभी हम लोगों ने अपनी राय दी है बोला? सारा फैसला तुम ही करते हो। हम तो यहाँ हाँ कहने के लिए भी अपना मुंह कभी नहीं खोलते हैं, सिर्फ सर हिला देते हैं बस। ओहो, तो आप लोग चाहते हैं कि इस बात का फैसला भी मैं ही करूं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो सुनो, होना तो ये चाहिए कि गांव के सारे लोग इसे पत्थर मार मार कर यहीं खत्म कर दें। पर ना ना, हम शरीफ लोग हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। इसलिए मेरी राय में इस औरत को गांव से निकालकर शहर की पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। उसके बाद उनके जो मन में आए वो कार्रवाई करें। बोलिए, आप लोगों को मेरा फैसला मंजूर है? जी मंजूर है। मम्मी, ये लोग सब क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बेटे, आप सब जानते हैं मेरे पति ने आप लोगों की कितनी सेवा की है। आपकी मुसीबतों में सिर्फ हम लोग ही आपके साथ खड़े थे, लेकिन क्या आज मेरी मुसीबत में बोलने वाला एक भी इंसान यह नहीं है? देखो देवी जी, इस गांव के लोग पूरी तरह प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। प्रजातंत्र यानी प्रजा का राज्य, यानी राम राज्य। मतलब इस गांव के लोग वही करते हैं जो मैं चाहता हूँ और वही चाहते हैं जो मैं सोचता हूँ। देखो, इस औरत को शहर की पुलिस के पास ले जाओ और पंचायत का फैसला बताकर उनके हवाले कर दो। बदतमीज, तुम इंसान हो या जानवर? एक औरत को इस तरह सड़कों पे खींचते बुलाए हो? हाँ, न्याय नगर की पंचायत ने इसे गांव से बाहर निकाल दिया है और सरपंच साहब ने इसे आपके हवाले करने को कहा है। यह है उनकी चिट्ठी। ठीक है तुम जाओ। शक्ल से तो तुम शरीफ लगती हो और काम ऐसे करती हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। पंचायत ने तुम्हें दोषी ठहरा कर मेरे पास भेजा है और तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना मेरा फर्ज बनता है। कल तुम्हें अदालत में ले जाया जाएगा और वही फैसला होगा कि तुम दोषी हो या नहीं। हवलदार। जी साहब, इसे मैं अंदर डाल दूं गुंडों के साथ। इंस्पेक्टर साहब, मुझ पर दया कीजिए। आपको जो कार्रवाई करनी है कीजिए, मगर मुझे उन गुंडों के साथ हवालात में मत डालिए। मैं अपनी बच्ची के साथ यही रात काट लूंगी। और रात भर तुम्हारा पहरा कौन देगा यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, तुमने तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। सर, हाँ, एक आइडिया दूं। बोलो। अगर ऑब्जेक्शन ना हो तो इसे आपके घर छोड़ाऊं, कल सुबह अदालत वहीं से ले जाएंगे। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगता वैसा करो। मैं जाता हूँ, कमिश्नर साहब के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, ये रखो। चलो बाय। सच कहता हूं, मुझे तुम्हारी हालत पर तरस भी आ रहा है और दुख भी हो रहा है। कल अदालत में मुकदमा चलेगा, सजा होगी, जेल जाओगी और यहां तुम्हारी बेटी सड़कों पे मारी मारी फिरेगी, भीख मांगेगी और वहां तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या यह सब तुम्हें अच्छा लगेगा? और मैं कर भी क्या सकती हूँ? तुम्हारे जैसी औरत अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। देखो, भगवान ने जो कुछ भी दिया है ना, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसका पूरा पूरा फायदा उठाने में ही समझदारी है। मैं समझी नहीं आपका मतलब। अरे मेरी जान, इतनी भोली भी मत बनो। मेरा मतलब है कि अपनी खूबसूरती और जवानी का पूरा पूरा फायदा उठाओ। जो पेशा वहां गांव में करती थी वो यहां शहर में भी करो, लेकिन जरा स्टाइल से, जरा बन ठंग के। इंस्पेक्टर साहब। अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक से एक मालदार आसामी लाना मेरा काम, और जो भी मिलेगा ना उसे आधा आधा बांट लेना। तुम पुलिस ऑफिसर हो या औरतों के दलाल?
मैं 2-in-1 हूं जाने मन। अगर पुलिस वाला बन गया तो कल ही जेल जाकर अपनी किस्मत पर रोगी, और अगर दलाल बन गया तो कुछ ही दिनों में मोटरों में घूमोगी, बंगलों में रहोगी और ऐश करोगी। ऐसा करते हैं कि कल ही भगवान का नाम लेकर अपने धंधे का श्री गणेश कर देते हैं, क्यों? ठीक है ना? क्यों है तुझ पर? गंदे कामों में भगवान का नाम लेता है, पुलिस की नौकरी को बदनाम करता है। अरे ऐसा ही माल कमाने का शौक चढ़ा है तो छोड़ दे ये नौकरी और जाकर बिठा दे अपनी माँ बहन को बाजार में। चलो, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ और तू सर पे चढ़ती जा रही। तेरे धंधे की शुरुआत तो आज मैं ही कर देता हूँ। देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिताम् नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। पंडित जी, ये संस्कृत में भगवान से क्या कह रहे हो? यही कि हमारे साथ सदा मंत्री बने रहे। पंडित जी, मैंने तो पूजा मुख्यमंत्री बनने के लिए करवाई है। जी हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए इस मंत्री पद पर टिके रहना बहुत जरूरी है ना? जय हो, पंडित जी ठीक कह रहे हैं। वक्त का कुछ पता नहीं चलता साहब, रात को सोए तो मंत्री थे और सुबह उठे तो मालूम पड़ा कि संतरी भी नहीं रहे। पूजा के वक्त भी राजनीति की बातें कर रहे। पंडित जी आप आरती शुरू कीजिए। जी। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। एक लड़की मंत्री साहब से मिलने आई है। लड़की? पंडित जी अचानक एक सरकारी काम आ गया है, मैं चलता हूँ। मगर भगवान की आरती तो लेते जाइए। भगवान की आरती कहीं भाग थोड़ी जाएगी है? और फिर सरकारी काम जो है। सुनो जी, लड़की खूबसूरत जी, वो जी जवान है जी। क्या उम्र होगी? यही कोई 15-16 साल। तुम्हें कैसे मालूम? तुमने उसे देखा? ये देखने की क्या जरूरत है सरकार, जो लड़की आपसे मिलने आई होगी वो तो सुंदर और कमसिन होगी। जय हो मंत्री जी। क्या बात है, आंखों में आंसू और गोद में बच्ची को लिए हमारे पास क्यों आई हो? ये बच्ची नहीं है साहब, बच्ची की लाश है। अरे रे रे रे, लेकिन हुआ क्या ऐसे? रास्कल्स, ऐसे ही लोग हमारी सरकार को बदनाम करते हैं, उनको सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ पूरा न्याय करूंगा। सुनो जी, पुलिस कमिश्नर को फोन करो कि इंस्पेक्टर पांडे को गिरफ्तार कर लें और न्यायनगर के सरपंच धर्मराज को मेरे सामने हाजिर करें। सर, धर्मराज जी आपके ससुर हैं। तो क्या हुआ,
उनकी बेटी से मैंने शादी की है, इसका मतलब ये तो नहीं कि एक अबला पर जुल्म होने दू, अन्याय होने दू। जाओ, फोन करो, जाओ। यस सर। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे बहुत दुख है। मैं तुम्हारी मरी हुई बच्ची को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं साबित करके रहूंगा कि तुम्हारे पति निर्दोष है। उन्हें जेल से छुड़ाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन इस बच्ची को हाथों में लिए कब तो ठोकरें खाती रहोगे। जाओ, पहले इस बच्ची को धरती की गोद में सुला दो। पुलिस कमिश्नर साहब को फोन कर दिया। वेरी गुड। बच्ची के अंतिम संस्कार के लिए इनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भेज देना और इनके लिए पूरा इंतजाम कर देना। समझ गए ना? समझ गया सर। ये ले कनकैया। चले। चाचा क्या है बेटा? ये ले चाचा, लड्डू खा। क्या बात है डॉक्टर बाबू, किस बात की मिठाई खिला रहे हो? आज मेरी नन्नी मुन्नी प्यारी सी बच्ची का जन्मदिन है, आप भी खाइए। मुबारक। अभी तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, भगवान तुम्हारी बेटी की बहुत लंबी उम्र करे। जाइए साहब, इस देश की एक और अबला का उद्धार कर दीजिए। जय हो। समाज सेवा तो अपना परम धर्म है। जानता हूँ साहब, मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूँ, और आप जैसे मंत्री तो बहुत कम होते हैं। धन्य है, धन्य है। जय हो, जय हो। अरे ये क्या, तुमने कुछ खाया नहीं? अरे खाओगे नहीं तो जिंदगी के तूफानों से कैसे लड़ोगे? हैं कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है। हवलदार सुनो, मंत्री जी अंदर किसी अबला का उद्धार करने के लिए गए हैं, बाहर तुम जरा चौकन्न रहना, कोई अंदर जाने नहीं पाए, समझे? ये तो घूरता है। बाप रे, जय हो। जब ऐसे दलाल चमचे मंत्री के पिए होंगे तो इस देश का क्या होगा? आए ए भाई, तुमने मुझसे कुछ कहा? जी नहीं तो। मुझे कुछ ऐसा लगा कि तुम्हारी अंतरात्मा मुझे गाली दे रही है। अरे साहब, हमारी अंतरात्मा होती है तो हम यहाँ नौकरी करते। बहुत समझदार हो। जय हो, जय हो। बेशरम। देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सुबह होते ही तुम्हारे पति को जेल से छुड़ा लाऊंगा और तुमसे मिलवा दूंगा, ये मेरा वादा है। अरे बैठो ना। अरे डरते क्यों हो? तुम मुझे अपना ही समझो। देखा कैसे कैसे कामों के लिए हमें पहरा देना पड़ता है। मंत्री चरणदास की। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अरे इतने लोगों का यहाँ एक साथ कैसे आना हुआ?
हम लोग अबला सेवा संघ की तरफ से मंत्री जी का सम्मान करने आए हैं। हाँ 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 हाँ, कितने शुभ कार्य के लिए आए हैं। अबलाओं की सेवा करना तो मंत्री जी का परम धर्म है और इस समय भी वो यही कार्य कर रहे हैं। लीजिए आ रहे हैं, आ रहे हैं। जिंदाबाद मंत्री जिंदाबाद। सर, आप लोग अबला सेवा संघ की तरफ से आए हैं। आपने जो इनके लिए अच्छे कार्य किए हैं उसके बदले सम्मान करने आए हैं। हम अबलाओं की जो आप सहायता करते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री महोदय जिंदाबाद। मंत्री महोदय जिंदाबाद। मंत्री महोदय जिंदाबाद। अबला की जो इज्जत लूटे उसके सर पे चमके ताजान, सितम क्या रह गया बाकी तेरे जग में आद्र मालिक तेरे जग में आज। कब तक यूं ही आत्महत्या क्यों करना चाहती थी? जानती नहीं ये पाप है? इस दुनिया ने हर तरह से मुझे सताया, मेरे शरीर को गंदा किया और मेरी बेटी की हत्या की है। मुझे इस औरत के लिए अपने माथे का कलंक मिटाने का और इस पाप की दुनिया से मुक्ति पाने का यही एक रास्ता बच गया था। तुम क्या समझती हो, अपनी जान देने से माथे पर लगा कलंक मिट जाएगा? जब मैं ही नहीं रहूंगी तो कलंक कहां रहेगा? मर्दों की सताई गई औरतें अगर बदनामी के डर से आत्महत्या करने लगी तो पाप करने वालों की हिम्मत और बढ़ जाएगी, कई और अबलाएं कलंकित हो जाएंगी और इसकी जिम्मेदार हर वो औरत होगी जो जिंदगी से भागकर आत्महत्या कर लेती है। तुम अपने आप को सजा क्यों दे रही हो? सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए जिन्होंने पाप किया है। लेकिन कैसे? इसके लिए कानून है, अदालत है और मुझ जैसी वकील तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे माथे पर लगा कलंक मिटाऊंगी, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। आओ मेरे साथ, देखो मुझ पर भरोसा रखो। काम आइए पत्रकार जी, बैठिए। शुक्रिया। आप क्या लेंगे, बीड़ी, चाय, कॉफी या ठंडा या कुछ और? जी कुछ नहीं, थैंक यू। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। सुना है एडवोकेट भारती देवी ने आपके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मुकदमा? यही कि एक औरत आपसे मदद मांगने आई थी और आपने उसके साथ बलात्कार कर दिया। मुकदमा अदालत में पहुँच गया है ना? जी हाँ। तो फिर जवाब भी वही देंगे? अदालत में आप किस किस बात का जवाब देंगे? वहाँ आप पर भ्रष्टाचार का एक केस तो चल ही रहा है। तो चलने दीजिए, आपको क्या कष्ट है? कष्ट मुझे नहीं, आपको हो सकता है। आप मिनिस्ट्री से निकाले जा सकते हैं। कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि पार्टी में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 10 मंत्री हैं।
सब आया राम गया राम है और 10 लाख वोट है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं पूरा मंत्रिमंडल ही उलट कर रख दूंगा, फिर देखता हूं यहां की सरकार कौन चलाता है। सरकार कोई भी चलाए, लेकिन आप जेल जाने की तैयारी कर लीजिए। क्या मतलब है तुम्हारा? आरती वर्मा का केस मशहूर एडवोकेट भारती देवी के पास है, जो आज तक कोई केस नहीं हारी है। ये केस भी वही जीतेंगे और आपको जरूर सजा मिलेगी। आपके पाप का घड़ा भर चुका है चरणदास जी, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। अरे अरे क्यों भाई? जय हो। इंटरव्यू लेने आया था हमारे मंत्री महोदय का, ले ले जम के ले और ले बेटा पीट। अबे पीट। सुनो, ऐसे लोगों के पास अगर आना है तो या तो कमीज उतार कर आओ, या अगर हिम्मत हो तो साथ में पिस्तौल लेकर आओ। मैं एक पत्रकार हूं, मुझे पिस्तौल की जरूरत नहीं। मेरी ताकत है ये कलम। हाँ घनश्यामदास जी, आप टेंडर तो भेज दें, ऊपर वालों को मैं संभाल लूंगा। आप टेंडर भेज दीजिए। हाँ जी हाँ, बाकी संभाल लेंगे। क्या हाल है मेरे साहब? ओह मंत्री महोदय नमस्कार, आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया? हुकुम देते मैं सेवा में स्वयं हाजिर हो जाता। सेवा में? जी देखो चिरौंजीलाल जी, तुम हमारे खास दोस्त हो, हमारी पार्टी के एमएलए हो, और मौका मिलते ही मैं तुम्हें मंत्री बनाना चाहता हूँ। धन्यवाद, पर मुझे लगता है कि तुम अपनी तकदीर खुद खराब कर लोगे। ये आप क्या कह रहे हैं चरण? और नहीं तो क्या, हम तुम्हें दोस्त समझते हैं और तुमने मेरे दुश्मन को घर में बैठा रखा है। मैं कुछ समझा नहीं महोदय। समझा नहीं? अरे एक आवारा औरत मुझे बदनाम करना चाहती है और तुम्हारी पत्नी इस काम में उसका साथ दे रही है। सारी दुनिया बात जानती है और तुम कहते हो कि मैं समझा नहीं। अगर मैं वो, लगता है भारती का दिमाग खराब हो गया। देखो तुम क्या करोगे मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम्हारी पत्नी उस औरत के लिए अदालत में हाजिर नहीं होगी, वरना मंत्री बनना तो दूर एमएलए भी नहीं रहोगे। नहीं नहीं आप ऐसा मत कहिए, मैं भारती को समझा दूंगा, वो ये केस नहीं लड़ेगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके इस मामले में आप दखल मत दीजिए, मैं ये केस जरूर लड़ूंगी। तुम समझती क्यों नहीं, वो औरत बच्चलन है, आवारा है। बच्चलन और आवारा कौन है इसका पता अदालत में लगेगा। भारती, भारती शादी के बाद मैंने तुमको कभी वकालत करने से नहीं रोका, क्योंकि वकालत करना तुम्हारा शौक था। बट लेट मी टेल यू दिस, तुम्हारा यही शौक अब हमारी घरेलू जिंदगी में एक रोड़ा बन गया है। आज तक मैंने आपकी सेवा में कोई कमी रखी है? क्या आपको कभी ये महसूस हुआ कि वकालत करते हुए मैंने एक पत्नी का पूरा फर्ज नहीं निभाया है? निभाया है, बिल्कुल निभाया है, लेकिन अब नहीं निभा रही हो तुम। मेरा भविष्य, मेरा फ्यूचर खराब कर रही हो। मैं आपका फ्यूचर खराब कर रही हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो चाहती हूँ कि आप बहुत बड़े आदमी बने, सारे देश में आपका नाम हो। सिर्फ चाहने से क्या होता है, आज मैं क्या हूं, एक एमएलए, सिर्फ एक एमएलए। मैं मंत्री बनना चाहता हूं, मुख्यमंत्री भी। हां जी, और तुम्हारे इस पॉइंट को लेकर अगर मंत्री चरणदास नाराज हो गए तो याद रखो अगले इलेक्शन में मुझे एमएलए पद का टिकट तक नहीं मिलेगा, नो चांस। इसलिए मेहरबानी करके उस मामूली औरत के लिए तुम उनसे दुश्मनी मत लो। आप अच्छी तरह जानते हैं मैंने अपने उसूलों के लिए अपने पिता को भी छोड़ दिया था। तो अब मुझे भी छोड़ देने का इरादा है? मैंने ऐसे तो नहीं कहा, एक औरत अपने पिता को छोड़ सकती है, लेकिन पति के बिना रहने की बात तो वो सोच भी नहीं सकती। आई सी। अगर मेरे साथ रहना है तो ये केस मत लड़ो। ये एक केस नहीं है, एक अबला के आंसुओं की पुकार है, औरत पर होते हुए अत्याचारों की कहानी है, और मैं इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। भारती, क्या तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारे सामने लड़ने वाले बड़े बड़े राजनीतिक सुरमा हैं, बिग पॉलिटिशियंस, ऑल ऑफ देम, एंड यू कांट फाइट देम, तुम उनसे जीत नहीं सकती। सवाल ये नहीं कि मैं जीतूंगी या हारूंगी, सवाल ये है कि आज की नारी क्या ये सब कुछ देखकर भी चुप रहेगी, कुछ नहीं करेगी? खैर मैं चलती हूँ, अदालत का समय हो रहा है। ठहरो भारती, आज अगर तुमने अदालत में कदम रखा तो फिर इस घर में कभी मत आना। यस,
जो पत्नी अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, उसे पति के घर में रहने का भी कोई अधिकार नहीं। पति पत्नी का रिश्ता प्यार का होता है, जबरदस्ती और अधिकार का नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर इस घर में आई थी और पत्नी बनकर रहूंगी। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं जिसे जब चाहो घर से बाहर निकाल दो। तुम खुद ही इस घर से जाती हो या मैं वॉचमैन को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूं। That's better. लेकिन इतना याद रखना, तुम पछताओगे और खुद मुझे लेने आओगे। दीदी, तेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, लेकिन मेरे लिए आप अपनी गृहस्थी क्यों बर्बाद कर रही हैं? आपने अपने पति को क्यों छोड़ दिया? देखो आरती, मैंने जो कुछ भी किया है वो सच्चाई के लिए किया है, अपने उसूलों के लिए किया है। कभी ऐसा मत सोचना कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रही हूँ। और हाँ, मैं अदालत जा रही हूँ, मेरे आने में अगर देर हो जाए तो इंतजार मत करना, खाना खा लेना और किसी बात की फिक्र मत करना। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। दीदी, दीदी, यही वो इंस्पेक्टर जिसने मेरी बेटी को मारा था, उसकी जान ली थी। दीदी, इसे छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। दीदी डरो मत, मैं इससे बात करती हूँ। कहिए, कैसे आना हुआ यहाँ पर? कोई आरती वर्मा नाम की औरत रहती है। ओ, आप आरती वर्मा को नहीं जानते हैं ना? यही है आरती वर्मा। कहिए, आज आपको इनसे क्या काम है? इसके नाम ये वारंट है, मैं इसे गिरफ्तार करने आया हूँ। ओ, पूरा केस ही उल्टा कर दिया। वेरी गुड, आप अभी इन्हें ले जाइए, मैं आपसे कोर्ट में मिलूंगी। नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, मैं जो हूं। चलो जाओ। अरे ये क्या हो रहा है, ये किसका केस चल रहा है? किसी आरती वर्मा का केस। लगता है फिर कोई शरीफ लड़की बदमाशों के जाल में फंस गई। वकील सफाई कौन है? मशहूर एडवोकेट भारती देवी, जो आज तक कोई केस नहीं हारी। अच्छा अच्छा, अपनी भारती देवी। ये भारती देवी कौन है? अच्छा ये बताओ, इस केस में वकील गंदगी कौन है? मिस्टर भारद्वाज। अच्छा अच्छा, अपना भारद्वाज। ये भारद्वाज कौन है? ओ, मैं सुनी। साले, साले। अरे जज साहब पीछे आ गए। उधर है, उधर है। आरती वर्मा, तुम्हारे खिलाफ आरोप लगाया गया है कि तुम रुपए कमाने के लिए मर्दों को फंसाती हो, वेश्या का पेशा करती हो, और जब तुम्हारी 5 साल की बच्ची तुम्हारे इस पेशे में आड़े आई तो तुमने उसका गला घोंट कर मार डाला। इन दोनों अपराधों के लिए तुम अपने आप को दोषी मानती हो या नहीं? ये अदालत है, रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा। बताओ तुमने ये अपराध किए हैं या नहीं? क्या कहूं जज साहब, इनकार करने के लिए भी आप जो कह रहे हैं उसे अपने मुंह से दोहराने में मुझे शर्म आती है। योर ऑनर, अपनी बच्ची की मौत पर रोती तड़पती इस मां पर उसी की बेटी की हत्या का आरोप लगाया गया है। एक वहशी दरिंदे के चुंगल में फंसकर अपनी पवित्रता की रक्षा करने में नाकाम हुई इस अबला को वेश्या कहकर पुकारा गया है। किसी भी सबूत के बिना एक गरीब पर इस तरह के आरोप लगाना इंसानियत के खिलाफ है। योर ऑनर, मैं अभी ये साबित कर दूंगा कि ये औरत बदचलन भी है और खूनी भी। मेरे पहले गवाह हैं न्यायनगर के सरपंच श्री धर्मराज। धर्मराज जी हाजिर हो। धर्मराज जी, आप इस बदचलन औरत को जानते हैं? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, शायद सरकारी वकील ने कोई जाली डिग्री लेकर वकालत शुरू कर दी है, इसीलिए इन्हें इतना भी पता नहीं कि जब तक आरोपी पर अपराध साबित नहीं हो जाता वो निर्दोष है। और उनका नाम तमीज से लेना चाहिए, इनका नाम है श्रीमती आरती वर्मा। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड।
थैंक यू। हाँ तो धर्मराज जी, आपकी कभी श्रीमती आरती वर्मा से मुलाकात हुई है? मेरा मतलब है आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। कैसे? हुजूर, मैं न्यायनगर का सरपंच हूँ। वहाँ की पूरी पंचायत ने इसे बच्चलन और वेश्या करार देकर शहर की पुलिस के हवाले कर दिया था। That's all, Your Honor. आप इनसे कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ लीजिए। No questions. आप जा सकते हैं। Your Honor, मेरे अगले गवाह हैं सब इंस्पेक्टर C.K. पांडे। मैं भगवान को साक्षी मानकर कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हर बार गीता की कसम खाता है और हर बार कहता है कि मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और कहता सच के सिवा बाकी सब कुछ है। इंस्पेक्टर पांडे, आप श्रीमती आरती वर्मा को जानते हैं? जी हाँ। आप इनसे पहली मर्तबा कहां मिले थे? जी, पुलिस स्टेशन में, जहां न्यायनगर की पंचायत का आदमी इसे मेरे हवाले कर गया था। तो फिर आपने क्या किया? जी, मैंने इसे समझाया कि वेश्या का काम अच्छा नहीं है और चेतावनी देकर वापस भेज दिया कि आगे से ऐसा काम नहीं करना। तो फिर ये दोबारा आपको कब और कहां मिली? इसने सुधरने के बजाय और जोरों से धंधा शुरू कर दिया। शहर में कमाई भी तो बहुत होती है। दो बार रेड में भी पकड़ी गई और दोनों बार मैंने इसे वार्निंग देके छोड़ दी। फिर क्या हुआ? और फिर एक दिन खबर मिली कि इसने अपनी बेटी का गला घोंटकर उसे मार डाला है। पुलिस ने इसे तलाश करने की बहुत कोशिश की लेकिन यह कहीं नहीं मिली। और फिर एक दिन पता लगा कि यह मशहूर एडवोकेट श्रीमती भारती देवी के साथ रह रही, और मैंने जाकर इसे गिरफ्तार कर लिया। लो, भारती देवी खड़ी हो गई। अब इंस्पेक्टर की धज्जियां उड़ा देंगी, कानून का एक एक ऐसा पॉइंट निकालेंगी कि जज साहब भी दंग रह जाएंगे। अच्छा, ये कानून कौन है? बोला तो मैं तेरा गला घोट दूंगा। जिस दिन आप श्रीमती आरती वर्मा को पहली बार मिले थे तो आप कहां थे? ये अपने पुलिस स्टेशन में। उस पुलिस स्टेशन के लॉकअप में उस समय दो गुंडे और भी थे ना, जिन्हें जुआ खेलने के जुर्म में पकड़ा गया था? जी हाँ। मामूली जुआ खेलने वालों को आपने उपदेश देने के बजाय लॉकअप में डाल दिया, लेकिन श्रीमती आरती वर्मा को, जिन्हें गांव की पंचायत ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए आपके पास भेजा था, उन्हें सिर्फ उपदेश देकर किस खुशी में भेज दिया? जी, वो एक औरत थी, साथ में एक छोटी सी बच्ची भी थी। मुझे दया आ गई। इंस्पेक्टर पांडे जी, आप जानते हैं एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते आपका फर्ज आरती वर्मा का केस बनाकर अदालत में पेश करना था, उन पर दया करना नहीं। जी वो, आप जानते हैं या नहीं? जानता हूं। और अगर आप एक गुनहगार को छोड़ सकते हैं तो एक बेगुनाह को पकड़ भी तो सकते हैं। जी नहीं। क्यों नहीं? जब दया आ सकती है तो गुस्सा भी तो आ सकता है, और उस गुस्से में कुछ भी हो सकता है। एक बच्ची का खून भी किया जा सकता है। I strongly object, Your Honor. एक शरीफ और ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। नो, हर वो पुलिस ऑफिसर अपराधी है जो एक मजबूर औरत से धंधा कराना चाहता है। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। या उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, Your Honor. और जब उस बलात्कार में उसकी बेटी बाधक बनती है तो उसका गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। ये सब झूठ है, Your Honor. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। रिलैक्स, टेक इट इजी। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि वो पुलिस ऑफिसर अपराधी है जो ये सब कुछ करता है। मैंने आप पर तो कोई आरोप नहीं लगाया कि आपने इन पर बलात्कार करने की कोशिश की या आपने इनकी बेटी का खून किया है, फिर भी आप बराबर चिल्लाए जा रहे थे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब आपने कुछ किया है। अरे, इस तरह पसीने क्यों छूट रहे हैं आपके? जी नहीं, कुछ नहीं। पसीना तो उस वक्त आता है जब आदमी झूठ बोलता है। जो सच गीता पर हाथ रखकर आप नहीं बोल पाए थे, शायद वो सच पसीने की बूंदे बनकर आपके चेहरे पर उतर आया है। अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी, कोई जरूरत ही नहीं, आप जा सकते हैं। अरे वाह, फंसा दिया पांडे को, जैसे महात्मा गांधी ने चर्चिल को फंसा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। ये महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी कौन है? अरे जब अपने ही देश के लोग ये पूछने लगे कि महात्मा गांधी कौन है तो अपने भारत का यही हाल होगा। सही बात है, अपने भारत, ये भारत कौन है? अब अगर तूने पूछा कि ये कौन है तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, और कल इसी अदालत में मुझ पर मुकदमा चल रहा होगा। नहीं, पूछूंगा। मिस्टर भरद्वाज, अब आप अपने अगले गवाह को बुलवा लीजिए,
और उनसे कहिएगा कि पसीना पहुंच कर आए। मंत्री चरणदास हाजिर हो। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। देखिए जो भी पूछना है जल्दी पूछिए, मुझे मीटिंग में जाना है। मंत्री जी, आपने सौरत को, मेरा मतलब है श्रीमती आरती वर्मा को, पहले कभी देखा है? यह कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप। मैं दिन भर में न जाने कितनी औरतों से मिलता हूं, उनकी मदद करता हूं, अब सबकी शक्लें मुझे कैसे याद रहेंगी। हाँ एक दो हो तो याद रखे, सैकड़ों लड़कियों को कहां तक याद रखेगा। अरे भारती देवी के सवालों का जूता पड़ेगा तो सब याद आ जाएंगी। ये भारती देवी जानता हूं, जानता हूं। याद कीजिए, एक दिन एक औरत आपके घर में अपनी बच्ची की लाश हाथ में लेकर आपसे मदद मांगने आई थी। हाँ याद आया, ये मेरे पास आकर कहने लगी मेरी बच्ची भूख से तड़प रही थी, मुझसे देखा न गया और मैंने उसको गला घोंटकर मार डाला। अब मेरे पीछे पुलिस पड़ी, मुझे बचा लो। फिर आपने क्या किया? मैं एक मंत्री हूं, एक खूनी की मदद कैसे करता। मैंने उसे कहा तूने मां होकर अपनी बेटी का गला घोंट दिया, तू मां नहीं है, तू एक डायन है, डायन चली जाओ। और मैंने इसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। ठीक है ना? बहुत अच्छा किया, अब आप जा सकते हैं। थैंक्स। एक मिनट योर ऑनर, मैं भी इनसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। यस प्रोसीड। आप एक मंत्री है ना? क्यों आपको कोई शक है? नहीं नहीं शक क्या, इसलिए पूछ रही हूँ कि मंत्री एक बहुत बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है ना? बिल्कुल होता है, और मैं भी हूँ। हाँ हाँ, आपके पास एक औरत आई थी और आपके कहने के मुताबिक उसने अपनी बेटी का खून कर दिया था और पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, फिर भी आपने उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, भगा दिया ना? जी हाँ बिल्कुल भगा दिया। क्या एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते आपका यह फर्ज नहीं था कि एक भागी हुई खूनी को पुलिस के हवाले कर देते? चुप क्यों है, जवाब दीजिए। इसमें जवाब देने की क्या बात है, समझने की बात यह है कि जब एक मामूली पुलिस अफसर किसी लड़की को माफ कर सकता है तो मैं तो एक मंत्री हूं, कुछ भी कर सकता हूं। हाँ हाँ क्यों नहीं आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या मतलब? यही कि इस मजबूर औरत की मजबूरी का फायदा उठाकर इसे आपने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, इसीलिए इसकी बच्ची को दफनाने के लिए आपने अपने आदमी को इसके साथ भेजा और उसके बाद इसे अपने ही गेस्ट हाउस में ठहराया। ये झूठ है, न इसे मैंने अपने गेस्ट हाउस में ठहराया था, न इसकी बच्ची को दफनाने के लिए आदमी भेजा था। ये झूठ कह रहे हैं जज साहब, इन्होंने मेरी बेटी की लाश को मिट्टी में दबाने के लिए अपने संतरी को मेरे साथ शमशान भेजा था। और ये साबित करने के लिए कि मंत्री का आदमी आरती के साथ शमशान गया था, मैं शमशान के चौकीदार छज्जूराम को गवाही के लिए यहाँ बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। बहुत अच्छे, इन पॉलिटिशियंस का गला इसी तरह पकड़ना चाहिए, वरना थोड़ी सी भी गफलत हुई कि बस केस ही उल्टा कर देंगे, कहने लगेंगे कि गांधी जी ने गोडसे का खून किया था। करेक्ट करेक्ट, ये गोडसे कौन है? तुमने इनको कभी देखा है? जी हाँ, एक बच्ची की लाश को दफनाने के लिए शमशान में आई थी। और साथ में कौन था? वो साहब थे जो पीछे खड़े हैं, पहले उन्होंने आके खड्डा खोदने के लिए पैसे दिए और रसीद लिए बिना ही चले गए। ये रही उसकी रसीद। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो साहब इनको लेकर आए, इनकी गोद में एक मुर्दा बच्ची थी, उसको दफनाने के बाद वो साहब इनको लेकर वापस चले गए। अच्छा तुम जा सकते हो। जी योर ऑनर, छज्जूराम के बयान से ये साफ जाहिर है कि मंत्री का आदमी आरती के साथ उसकी बच्ची को दफनाने के लिए शमशान गया था और दफनाने के बाद आरती को लेकर मंत्री के गेस्ट हाउस पहुंच गया। ये जानते हुए भी कि इसके हाथ में एक बच्ची की लाश थी, मंत्री जी ने ना तो बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम करवाया और ना ही इसे पुलिस के हवाले किया। इसकी एक ही वजह हो सकती है जो साफ है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, चरणदास जी ने इसकी लाचारी का फायदा उठाकर इसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और इसीलिए इसे अपने गेस्ट हाउस में ठहराया, और उस मददगार ने इसकी ऐसी मदद की कि फिर कभी ये किसी से मदद न मांग सके, दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल न रहे। इतना कुछ करने के बाद जब मंत्री जी को पता चला कि आरती वर्मा का केस मैं लड़ने वाली हूँ, तो उन्होंने पूरे मुकदमे को उल्टा कर दिया और सारा आरोप इसके सर थोप दिया। I object, Your Honor. ये सरासर झूठ और बेबुनियाद इल्जाम है। मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये सारे हिंदुस्तान में सिर्फ उनका ही नाम क्यों लेती? दुनिया में ऐसी कौन सी औरत है जो भरी अदालत में खड़ी होकर अपनी बेइज्जती की कहानी सुनाएगी, उसकी चर्चा करेगी? ये फिर भी यहाँ आकर इसलिए खड़ी हो गई,
ताकि सारी दुनिया को पता चले कि समाज सेवक के भेष में कितना खतरनाक जानवर समाज में घूम रहा है। मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है कि मंत्री चरणदास जैसे बहुरूपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और आरती वर्मा को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। फैसला कल सुनाया जाएगा। भारती देवी के इतना कुछ साबित करने के बाद भी जज साहब ने कह दिया फैसला कल सुनाएंगे। अरे बरखुरदार, कुछ फैसले दिन की रोशनी में होते हैं, कुछ रात के अंधेरे में। जब शराब चलती है, जश्न होते हैं, नोट उड़ते हैं। चल। गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिमा आरती वर्मा कसूरवार है, लिहाजा अदालत मुलजिमा आरती वर्मा को एक पुलिस अफसर और एक मंत्री को बदनाम करने, वेश्या का पेशा करने और अपनी बेटी का कत्ल करने के जुर्म में 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर वर्मा। आपके अच्छे चाल चलन के कारण आपकी सजा कम कर दी गई है और आज आपको रिहा किया जा रहा है। थैंक यू। ले 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 ले, देखो 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 कैसे बोलते हैं, देखो देखो देखो। हाँ जी सुनिए, कौन है आप, किससे मिलना है आपको? आरती घर में है। आरती? कौन आरती? मेरी बीवी है, एक छोटी सी बच्ची भी है, मेरी बेटी। जी यहाँ कोई आरती वारती नहीं है, पिछले 5 साल से हम ही रह रहे हैं। डॉक्टर बाबू नमस्ते, नमस्ते। आप कब आए? जी मैं भी आया। क्या बता सकते हैं कि मेरी बीवी और बच्ची कहाँ है? क्या बताओ बेटा, सरपंच धर्मराज ने तुम्हारी बीवी के साथ बड़ा अन्याय किया है। क्या किया? उस बेचारी पर बदचलनी और बदकारी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया। उसके बाद उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। पर झूठा इल्जाम लगाया। आ,
नमस्ते। नमस्ते बाबा, अक्सर मैं आपको देखती हूँ, आप सड़कों पर अपनी ही धुन में गाना गाते हुए जा रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं, इस तरह गाना गाकर आप इस देश को सुधार लेंगे? देश सुधरे या न सुधरे, लेकिन इस तरह गाकर मैं अपने दुख को कम जरूर कर लेता हूँ। मेरा भी यही ख्याल था, इसके पीछे जरूर कोई दुख भरी कहानी होगी। ये दुख भरी कहानी नहीं बेटी, हादसा भरी हकीकत है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। क्या मैं उसके बारे में जान सकती हूँ? क्यों नहीं, तुम्हारे जैसी मेरी एक बेटी थी, बहुत अच्छा गाती थी। एक दिन एक मंदिर के उद्घाटन में भजन गाने गई और वापस नहीं आई, क्योंकि उस जलसे के चीफ गेस्ट को मेरी बेटी के गाने से ज्यादा उसकी सुंदरता भा गई। उस चीफ गेस्ट के अंदर का जानवर शराफत और सभ्यता के सारे कपड़े उतार कर बाहर आ गया और मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। आप मुझे बताइए वो जानवर कौन है, मैं उसे अदालत में खड़ा करके सजा दिलाऊंगी। इस पाप की सजा सिर्फ मौत है। मैं चाहता तो खुद उसका खून कर सकता था, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मैंने उसका खून सिर्फ इसलिए नहीं किया कि उसकी मौत के बाद मेरी एक और बेटी जो हमेशा दूसरों का भला करती रहती है वो विधवा हो जाती। मैं अपने दिल की आग बुझाने के लिए उसके माथे का सिंदूर नहीं पूछना चाहता था। आप महान हैं बाबा, यू आर रियली ग्रेट, लेकिन वो शैतान कौन है? बाबा बताइए ना। तुम्हारा पति। आइए मंत्री जी, कितनी जनता खड़ी आपके स्वागत के लिए। मंत्री चरण दास जिंदाबाद, मंत्री चरण दास जिंदाबाद, मंत्री चरण दास जिंदाबाद, मंत्री चरण दास जिंदाबाद, राजकुमारी जूली सिंह जिंदाबाद, राजकुमारी जूली सिंह जिंदाबाद, राजकुमारी जूली सिंह जिंदाबाद। कौन है ये जूली सिंह? इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। 16 साल से 25 साल की उम्र की हर लड़की के बारे में आपकी यही राय होती है मंत्री जी? हाँ? मेरा मतलब सुंदर है, अति सुंदर है। जूली सिंह, ये लड़की हिंदुस्तानी है दिलायती? मुझे तो दोनों का संगम लगता है, मिलावट। ओ, लेकिन अब ये सोचो कि उससे हमारा संगम कैसे हो। कार रेडी सर। ओ, आते आते आ रहे हैं। अरे खड़े क्यों हो, उसका पीछा करो, जाओ। इस वक्त अपनी इज्जत को बदनाम होने से बचाइए, सब लोग खड़े हैं, बाद में पता कर लूंगा। ठीक है पक्का। जय हो, जय हो। आई आई आई। नमस्ते जी। जय हो, जय हो। बैठिए, पधारिए पधारिए। हाँ जी, कहिए कैसे आना हुआ? साहब, लंदन की एक बहुत बड़ी सिंगर जिन्होंने हिंदुस्तानी और अंग्रेजी गाने गाकर विदेशों में धूम मचा रखी है, वो पहली बार भारत आई है। अच्छा। और सबसे पहला प्रोग्राम हमारी ब्लाइंड एसोसिएशन के चैरिटी शो के लिए कर रही है। अच्छा। अगर मंत्री साहब हमारे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट बनना स्वीकार कर ले तो हमारे प्रोग्राम में चार चांद लग जाएंगे। अरे कैसे चार चांद लग जाएंगे, मिनिस्टर साहब के पास कम से कम 3 महीने के लिए कोई शो को अटेंड करने का टाइम नहीं है। ऐसा मत कहिए, हो जाएगा। आप चाहे तो इस नेक काम के लिए मिनिस्टर साहब का थोड़ा सा कीमती वक्त जरूर निकाल सकते हैं, राजकुमारी जूली के लिए भी। ये बड़े गौरव की बात होगी। ये जूली कौन है? जूली सिंह, जिसको एयरपोर्ट पर देखकर आप पानी पानी हो गए थे। तो फिर मना क्यों कर रहे हो? वो डायरी में टाइम नहीं है। देखिए, मैं किसी अच्छी लड़की के लिए ना नहीं कह सकता। जी, मतलब किसी अच्छे काम के लिए मना नहीं कर सकता। मंत्री जी, जय हो। प्रोग्राम कब है? April 1st को। We'll be right back.
कहा मंत्री जी? मेकअप रूम में। मेकअप रूम मंत्री जी, आप ये बताइए हमारी कॉलोनी के बारे में आपने जो सोचा था वो बात क्या हुआ? बाद में, अभी जाने दीजिए। अच्छा, नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्कार। मैं राजकुमारी से मिलना चाहता हूँ। राजकुमारी? मंत्री जी, हमारे मोहल्ले में अभी तक पानी की तकलीफ। बाद में, मंत्री जी को परेशान न करें प्लीज। मैं भी मिलना चाहता हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, ये पब्लिक प्लेस है, चारों तरफ वीआईपीज है, सिक्योरिटी पुलिस है, आपके बारे में क्या सोचेंगे? मंत्री जी मेरी एक बात मानेंगे क्या? आज रात इसको छोड़ दीजिए, कल सुबह मैं पता लगा लूंगा, इसके घर पहुंच जाऊंगा और आपका मामला जमाने की कोशिश करूंगा। कोशिश? कोशिश मतलब जमा दूंगा। इस वक्त चलिए, ये पब्लिक प्लेस है। जय हो, जय हो। अरे बाप रे, ये घर है कि अजायब घर है? आए लौंडिया। सुनिए। ए, हाथ उठाओ। कौन हो तुम? मैं पीए हूँ। पीए हो तो शराब के अड्डे पर जाओ, इधर क्यों आए हो? वो पीए नहीं, मैं मंत्री चरणदास जी का पीए हूँ, पर्सनल असिस्टेंट। इंग्लिश नहीं आती क्या? जाओ राजकुमारी जी को बोलो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। राजकुमारी जी ऐसे नहीं मिलती किसी से, अपॉइंटमेंट लेकर आना। जय हो, जय हो। आपकी तारीफ। मैं भी पीए हूँ। पिए? आप भी पिए? और खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दो पिए। चलो शराब के अड्डे में चलते। अरे पिए माने तुम अंग्रेजी नहीं जानते क्या? पिए माने पर्सनल असिस्टेंट, पीए। ओ पीए, 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 पीए मिलकर पापा। पापा नहीं तब जी, अरे जब हम दोनों मिल जाएंगे तो मैं पापा, तुम मम्मी, और अपन के पास आएगा पप्पू। नहीं तब जी। अच्छा, तो आपको पप्पू चाहिए? ठहरो जी। पीटा? पीटा नहीं, पप्पू, पप्पू। पीटा? आपको कुआ चाहिए? जरा इनको कुआ करा दो। वो मेरी जलेबी रीटा, बोल दे इस घर को दादा और गूंज दे मेरे घर का आटा। वो मेरी सपनों की रानी कब आएगी? सपनों की रानी? अरे उल्टा क्यों आ रहा है? फिर थोड़ा क्या हुआ, बहुत पी लिया क्या? अरे सरकार, देसी विलायती ठर्रा, आज तक जितनी पीती सब उतर गई, इसलिए उल्टे पांव चला आ रहा हूँ। अच्छा ये तो बता, वो यहाँ कब आ रही है? वो कभी नहीं आएगी, बल्कि आपको अपॉइंटमेंट लेकर उसके घर पे जाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ साहब, उस राजकुमारी को भूल जाइए, वहाँ बहुत खतरा है। अरे खतरे को मारो गोली। अच्छा तुमने उसको मेरे बारे में कुछ बताया? अरे मुंह खोला ही था तो मेरी ये हालत हो गई, आगे कुछ बोलता तो क्या होता आप समझ जाइए। उस लड़की को पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल? देखो जो चीज आसानी से मिल जाए उसे पाने में मजा नहीं आता। अरे मजा तो उस चीज में आता है जो मुश्किल से मिलती है। मैं उसे पाकर रहूंगा। सुनो, कल खुद मैं उससे मिलने जा रहा हूं। क्या? ये क्या कर रहे हो? सर पहले मैं मिलिट्री में था, आदत पड़ गई है। अभी नहीं हो, हो। मैडम ये यहाँ के मिनिस्टर हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। आई सी। नमस्ते। इधर का मिनिस्टर क्या ऐसा कपड़ा पहनता है? येलो शर्ट, येलो पैजामा, एंड व्हाट इज दैट? ये कौन सा सिगरेट स्मोक करता है? मैडम ये सिगरेट नहीं है, ये बीड़ी है, लोकल ब्रांड बंदर छाप बीड़ी, मंकी बिजनेस। मिनिस्टर होके बीड़ी स्मोक करता है? अरे अच्छा सिगरेट स्मोक करो, अच्छा कपड़ा पहनो, ऐसा कपड़ा हमारा नौकर भी नहीं पहनता है। मैडम आपका मेरे कपड़ों के बारे में क्या ख्याल है? ये चाय, ये तुम्हारा फिर भी ठीक है। मैडम मेरा नाम, मैडम दिल्ली से फोन है आपके। हेलो, ओह मिनिस्टर साहब, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? अरे यहाँ मंत्री का फूल। सर रहे के खिसक ले, रहते हैं, जो होगा देखा जाएगा, मेरा क्या है? हम इधर एकदम ठीक है। ओह नो 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 प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम होगा तो हम आपको टेलीफोन करेगा, आप आ जाना। ओके थैंक यू। आपने ये तो पूरी दुनिया को जेब में रखे हुए है, इससे सावधान रहना पड़ेगा मंत्री जी। आई नो। यस यू वर सेइंग समथिंग। मेरा नाम मैडम, यस लंदन से कॉल। हेलो, यस व्हाट द शिप? ओह नो दैट मींस अ लॉस ऑफ अबाउट 3 करोड़ ऑफ रुपीस। मीट द फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी मिस्टर जैक्सन,
you talk to him. He'll get the compensation and do the needful, okay? Thank you. Yes, mister. What can I do for you? जी, मेरा नाम चरणदास है। यहाँ के माननीय मंत्री महोदय। और मैं आपसे मिलना चाहता था। मैडम मैडम, आपका रोमियो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। What? हाँ, सारे घर में ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं है। तुम लोग घर में क्या करता रहता है? एक एक को $5,000 सैलरी भी देता है और तुम लोग रोमियो को संभाल नहीं सकता। How can I live without Romeo? I just can't. Oh, please, आप लोग सब get out. Get out. Get out. Excuse me, madam. क्या चाहिए? मैं पूछ रहा था कि ये रोमियो कौन है? तुम पूछता रोमियो कौन है? He's my life. He's my love. मेरा सब कुछ है. आपके पास मिस्टर रोमियो को कोई फोटो हो तो मैं उन्हें ढूंढूंगा. ये लीजिए फोटो. थैंक यू. क्या कुत्ता? अगर आपने रोमियो को कुत्ता बोला तो मैडम आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगी. सॉरी मैडम, मेरे होते हुए आप क्यों चिंता करती हैं? रोमियो साहब को 24 घंटे के अंदर अंदर आपके सामने पेश करूंगा, ये मेरा वादा है. मैं चलता हूं. तुम लोग कुछ भी करो, कैसे भी करो, एक घंटे के अंदर रोमियो मेरे सामने होना चाहिए, समझे? सर, वो कहीं भी हो, हम उस खतरनाक टेररिस्ट को पकड़कर आपके सामने पेश करेंगे. शट अप, रोमियो कोई टेररिस्ट नहीं है. फिर? वो राजकुमारी जी का बहुत ही प्यारा छोटा सा लवली पोमेरेनियन कुत्ता है. क्या? रोमियो कुत्ता है? खबरदार, जो रोमियो को किसी ने भी कुत्ता कहा, मंत्री जी तुम्हारा तबादला ऐसी जगह करवा देंगे जहां कोई कुत्ता भी नहीं भोंकेगा तुम पर. सर, जाओ जल्दी जाओ, शहर का कोना कोना छान मारो, जाओ जल्दी करो, जाओ. यस सर. साहब, आपके पार्टी के कुछ एमएलए आपसे मिलने आए हैं. आज मेरा किसी से मिलने का मूड नहीं है. जब तक वो कुत्ता नहीं मिल जाता, रोमियो पोमेरेनियन नहीं मिल जाता, तब तक सारी आम सभाएं, सारी मीटिंग्स, सारे उद्घाटन, सारी मुलाकातें बंद. जाकर एमएलए को बोल दो. जी थी. और तुम? जी. शहर में सबसे अच्छा सूट सीने वाले दर्जी को इस वक्त हमारे सामने पेश करो. सूट सीने वाला दर्जी? नहीं सर, मेरे पास तो बहुत सूट हैं, कोई जरूरत नहीं. तुम्हारे लिए नहीं है? हमारे लिए है? ओ, रोमियो, माय डार्लिंग, तू कहाँ चला गया था माय स्वीटहार्ट? जय हो. मैडम, मंत्री जी कल से ऑफिस नहीं गए, किसी सभा में नहीं गए, किसी से मुलाकात नहीं की, किसी का उद्घाटन नहीं किया, बस रोमियो जी की तलाश में घूमते रहे. और जैसे ही रोमियो जी इनको मिल गए, उनको मखमल की गद्दी पर बिठाकर आपके पास ले आए ताकि रोमियो जी को कोई तकलीफ न हो. हाउ नाइस ऑफ हिम. अरे वाह, आज तो आप बहुत हैंडसम लगता है. यू आर लुकिंग वेरी 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 स्मार्ट मिस्टर मिनिस्टर. अच्छा, आप लोग क्या पिएगा? ब्रांडी, स्कॉच, शैंपेन? जी कुछ स्कॉच, जूस. लिली एप्पल जूस. एप्पल जूस प्लीज. बैठिए. थैंक यू मंत्री जी. सूट में आप क्षमा चाहता हूँ मंत्री जी. राजकुमारी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ. यस, गो अहेड. आप सुंदर हैं, जवान हैं, फिर भी आप अकेली रहती हैं, किसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? हम भी कुछ दिनों से शादी का वास्ते सीरियसली सोच रहा है. इंग्लैंड अमेरिका में तो राजकुमारी जी से शादी करने के लिए कई करोड़पति लाइन में खड़े तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हमको हिंदुस्तानी लोग बहुत पसंद है. आई लाइक इंडिया, इंडियन म्यूजिक, इंडियन कल्चर, इंडियन पीपल. They are beautiful. हमने सोचा है कि हम एक हिंदुस्तानी आदमी से ही शादी करेगा. मेरे बारे में आपकी क्या राय है? मैंने कोई गुस्ताखी तो नहीं की ना? No, not at all. आप मिनिस्टर है, जवान है, सुंदर है, सूट पहनता है, 555 स्मोक करता है, फिर भी आज तक आप बैचलर है, शादी नहीं किया. वेरी सरप्राइजिंग. नहीं, बैचलर नहीं है. No? गलती थी, एक बार एक छोटी सी शादी कर ली थी गांव में. फिर तो हम इससे शादी नहीं कर सकते. यू सी, वन वाइफ वन हस्बैंड, नो सेकंड वाइफ प्लीज. आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए. उस गमार को डाइवोर्स देकर आज ही घर से बाहर निकाल देता हूँ. डाइवोर्स? हाँ, कल ही उसके डाइवोर्स पेपर्स के साथ आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा, ये मेरा वादा है. मैंने किस कसूर की सजा दे रहे हैं आप मुझे? मैं फिजूल की बहस में नहीं पड़ना चाहता, मुझे तुमसे तलाक चाहिए अभी इसी वक्त. क्या हो गया आपको? मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी?
कहीं भी। हाँ वैसे मैं तुमको एक गाड़ी, बंगला और 5 लाख रुपया कैश दे सकता हूँ अगर तुम इस तलाकनामे पर दस्तखत कर दो तो। नहीं चाहिए मुझे आपकी गाड़ी, बंगला और पैसा। चिल्लाओ मत, आखिरी बार पूछता हूँ दस्तखत करते हो या नहीं वरने जान से मार दूंगा। हाँ, मार डालिए मुझे, मगर मैं इस घर को नहीं छोड़ सकती, अपना सुहाग नहीं त्याग सकती। ठीक है, मैं तेरा सुहाग ही खत्म कर देता हूँ, अपने आप को गोली मार लेता हूँ। बोलो, तलाकनामे पर दस्तखत करती हो या गोली चला दूँ? नहीं नहीं, गोली मत चलाइए, आप जो कहेंगे वही करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमारी जी, गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज, ये लीजिए डाइवोर्स पेपर्स, मेरी बीवी ने दस्तखत कर दिए। सो यू हैव डाइवोर्स्ड योर वाइफ? हाँ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनसे शादी कर सकती हैं। बोलिए शादी कब रखें? मैडम फोन। हेलो, रास्कल, जो करने को सकता करो, हम तुम जैसा गुंडा लोग से नहीं डरता। क्या हुआ, कौन था? कोई बदमाश था, बोलता था अगर हम आपसे मिलेगा तो घर में बॉम्ब रखकर ब्लास्ट कर देगा। कौन हो सकता है? Who knows? मिस्टर मिनिस्टर, हमारा लाइफ का इधर क्या सिक्योरिटी है, क्या फायदा इधर रहने का? नो नो, आई थिंक आई गो बैक टू लंदन, आई जस्ट कांट स्टैंड इट। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, आप वापस जाएंगे तो हमारे देश का अपमान होगा। अगर मैं आपको सिक्योरिटी नहीं दे सका तो मेरा मिनिस्टर होना बेकार है, आपको पूरी सिक्योरिटी मिलेगी, मेरा एक पुलिस ऑफिसर 24 घंटे आपके साथ रहेगा, आपकी रक्षा करेगा, ये मेरा वादा है। रियली? थैंक यू, बट जो पुलिस ऑफिसर आप हमारा सिक्योरिटी के वास्ते भेजेगा वो एकदम स्मार्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, हमको इडियट जैसा शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं। मैं आपको सारे पुलिस ऑफिसर्स की तस्वीरें भेज दूंगा, आप देख लीजिए, जिसे आप पसंद करेंगी कल वो आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। बाय। मिस जूली घर में है। अरे राजकुमारी जी को नाम लेकर बुला रहे हो, कौन हो तुम? जी जी, मुझे मंत्री चरणदास जी ने भेजा है। रियली? यस मैडम। रोमियो क्यों भोगता है, घर में कोई दूसरा कुत्ता आ गया क्या? मिनिस्टर साहब ने आपकी सिक्योरिटी के लिए एक आदमी भेजा है, उसी को देखकर भौंक रहा है। ओह आई सी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, व्हाट मैडम? नमस्ते बहन जी। बहन जी? व्हाट बहन जी? आप जो पसंद करेंगी मैं वैसे ही बुलाऊंगा, बोलिए क्या बुलाऊं? अरे ये भी नहीं जानते एक प्रिंसेस को कैसे बुलाना चाहिए, राजकुमारी जी कहकर बुलाओ। जी अच्छा, नमस्ते राजकुमारी जी। तुम्हारा नाम क्या है? जी सी के पांडे। सी के पांडे, नॉट गुड। तुमको मालूम है इधर क्या क्या काम करने का है? जी आप जो भी कहेंगी ना मैं सब करूंगा। मॉर्निंग 5 बजे उठने का, सारा फ्लोर झाड़ पोछ के साफ करने का। जी। उसके बाद किचन में जाकर सबके वास्ते कॉफी बनाने का, हमारा वास्ते फ्रूट जूस और रोमियो का वास्ते ओनली मिल्क एंड डॉग बिस्किट। ये सब कल का काम है, अभी तुम ऊपर जाकर हमारा सब जूता पॉलिश करके रखो। राजकुमारी जी, मैं एक पुलिस अफसर हूँ। हमको मालूम है तुम कौन है, इधर ड्यूटी करने का है तो हम जो बोलेगा वो करना होगा। राजकुमारी जी, मुझे ऐसे काम करने की आदत नहीं है। आदत नहीं है तो गेट आउट। लिली, मिनिस्टर साहब को फोन करके बोलो कि ये आदमी बिल्कुल यूजलेस है, कोई दूसरा आदमी भेज दो। यस मैडम। नहीं नहीं राजकुमारी जी, आप ऐसा मत कीजिए। गेट आउट। नहीं 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 नहीं, आप मिनिस्टर साहब को फोन मत कीजिए, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा, तो जो हमारी राजकुमारी जी कहेंगी तुम करोगे? जी जी, क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, जो राजकुमारी जी कहेंगी मैं वही करूंगा। मैं पूछता हूँ, तुमने उस तलाकनामे पर दस्तखत किए क्यों? दस्तखत नहीं करती तो और क्या करती, उन्होंने अपने सर पे पिस्तौल रख ली और कहने लगे अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो आत्महत्या कर लेंगे। वो बदमाश और आत्महत्या करेगा? अरे मैं उसकी सारी चालों को अच्छी तरह से जानता हूँ, आज ही जाकर उसे सीधा कह देता हूँ, समझता क्या है वो अपने आप को। Thank you.
राजकुमारी जी क्या जादू है आपके डांस में, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आप नहीं जानती, आपके बगैर मैं दिन में चैन मिलता है, मैं रातों को नींद आती है। बस जल्दी से शादी की तारीख बता दीजिए। शादी की तारीख मैं बताता हूँ, 25 नवंबर 1977, जिस दिन तूने मेरी बेटी के साथ शादी की थी। Who is this stupid old man? ये बुड्ढा कौन है? Throw him out. कौन हो तुम? किससे मिलना है? अबे मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूँ? मुझसे नालायक, मैं वही हूँ जिसने तुझे सड़क से उठाकर पंच से एमएलए और एमएलए से मिनिस्टर बनाया। भूल गया इतनी जल्दी? तुझे चुनाव में जिताने के लिए मैंने न जाने कितने मुर्दा वोटरों को जिलाकर तुझे वोट दिलवाए। नमक हराम, मैं तेरा भाग्य बनाने वाला हूँ, तेरी पत्नी का बाप हूँ, यानी कि तेरा ससुर। ससुर? व्हाट ससुर? तुम तो हमको बोला, तुम्हारा वाइफ को डाइवोर्स दिया, फिर ये ससुर किधर से आ गया? लुक, अभी भी तुम्हारा कोई ससुर है तो हम तुमसे शादी नहीं करेगा। क्या ससुर ससुर लगा रखा है? तेरी बेटी ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं, अब वो मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि ये होंगी मेरी पत्नी, माय स्वीटहार्ट, माय डार्लिंग, माय एवरीथिंग। अगर तूने मेरी बेटी को छोड़कर इस 2% की छोकरी से शादी की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा? डॉक्टर विजय वर्मा की पत्नी हूँ, आरती। तू? बचाओ! इस लिबास में आप बहुत सुंदर लग रही। नहीं नहीं, वो मैं हर मौसम हम तो तेरी यादों का मौसम लगता है। सुविधा में डाल दिया है तूने मुझे, इतने बरसों के बाद उनको देखा और मैं ये भी न पूछ सकी तुम कैसे हो। एक तरफ मेरी बेटी की चीखें मुझसे कहती हैं कि उसकी हत्या का बदला लूं, दूसरी तरफ पति का प्यार कहता है कि सब कुछ भूलकर उनके पास चली जाओ, उनके गले लग जाओ,
मैं क्या करूं मां, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तुम यहां? तुमको यहां आने के लिए मना किया था ना, किसी ने देख लिया तो मालूम है क्या होगा। चाहे कुछ भी हो, अब मैं ये नाटक नहीं कर सकती दीदी। लेकिन क्यों, अचानक क्या हो गया? वो आ गए हैं और उन्होंने मुझे चरणदास के साथ गाड़ी में बैठे देख लिया था। इतने दिनों के बाद मिले थे और मैं उनसे एक बात भी ना कर पाई। न जाने वो क्या सोच रहे होंगे। दीदी, अब ना मुझे अपने लिए न्याय चाहिए, ना किसी और के लिए सजा। मुझे मेरे पति मिल गए हैं, मुझे सब कुछ मिल गया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम भी दूसरी औरतों की तरह अपने स्वार्थ, अपने सुख के लिए सोचने लगी? भूल गई कि ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, सारी नारी जाति की है। इसलिए मैंने अपने पति का घर भी छोड़ दिया था। अब जब मंजिल पास आ गई है, तुम वापस लौट जाना चाहती हो? देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पति पढ़े लिखे हैं, समझदार है, मैं उन्हें मिलकर सब कुछ समझा दूंगी। आरती वर्मा, क्यों चौंक गई अपना असली नाम सुनकर? ये नीली आंखें, ये अंग्रेजी ठाट बाट, अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम आरती वर्मा हो सकती हो। मुझसे झाड़ू लगवाती थी, कॉफी बनवाती थी, जूते, अपने जूते साफ करवाती थी, लेकिन आज आज मैं तेरा ये नाटक खत्म कर दूंगा। अभी मिनिस्टर साहब के पास जाता हूं और तेरी सारी पोल खोल देता हूं। राजकुमारी जी, मिनिस्टर साहब अंदर हैं? नहीं साहब। तुम्हें मालूम है कहाँ हैं? बड़े लोग कहाँ जाते हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं, किसको पता। ठीक है, तुम मुझे कागज दो, मैं उनके नाम एक चिट्ठी लेकर देता हूँ। आइए अंदर आइए, ये रहा कागज। माननीय मंत्री जी, नमस्ते। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो लड़की जिससे आप शादी करना चाहते हैं, वो दरअसल राजकुमारी नहीं है बल्कि न्याय नगर की आरती है। आज उसे मैंने अपनी आंखों से उसके असली रूप में देख लिया है। वो फेस बदल कर आपसे बदला लेने आई है। सावधान रहिएगा, आपका पांडे। सुनो, ये बहुत जरूरी खत है, मंत्री जी जैसे ही आए फौरन उन्हें दे देना, भूलना मत, तब तक मैं उन्हें तलाश करता हूँ। अच्छा साहब। हेलो अशोक, यार तुम्हें मालूम है कि मंत्री जी कहाँ मिलेंगे? अभी का तो पता नहीं, हाँ सूरज डूबने के बाद गेस्ट हाउस में मिल जाएंगे। आपके काम के लिए फोन कर दिया है, मेरे ख्याल में हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। अरे ऐसे क्यों भागे चले आ रहे हो, पीछे पुलिस पड़ी है क्या? सर आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, लेकिन अकेले में। अकेले में? जी। आप लोग जरा। हाँ, हम लोग चलते हैं। अच्छा, फिर मिल लेंगे। अच्छा, नमस्ते। अब बोलो क्या काम है। सर आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हाँ, धोखा तो बहुत बड़ा हुआ है, आप जानते हैं। मैं सरकार चलाता हूँ और हर बात की खबर रखना मेरा काम है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कौन कब कहां क्या कर रहा है और मुझे उसके साथ क्या करना है। तो अब क्या करेंगे सर? तुम जानते हो कि मेरे साथ गद्दारी करने वालों को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ता। गद्दार, मैंने तुझे राजकुमारी की रखवाली के लिए भेजा था और तूने उन्हीं की इज्जत पर हाथ डाल दिया। इतना ही नहीं चरणदास, ये बोलता था मिनिस्टर हमारा इशारे का ऊपर डांस करता है, हमको उसका सबसे फिट मालूम है, हम जब चाहेगा उसको जेल भेज सकता है।
सकता है। कमीनी बदसात! ये औरत कमजर्फ बेहया है सर। तुम फिर एक मर्डर कर दिया। आई मीन दिस इज योर सेकंड मर्डर, दूसरा खून। आपके लिए दो तो क्या, 2000 खून भी कर सकता हूं। कोई आपको छूकर तो देखे, मैं उसकी जान ले लूंगा, चाहे वो कोई भी हो। ओह, व्हाट अ लकी गर्ल आई एम। लेकिन इस लाश का क्या करेगा? वही जो हमेशा करता हूं। जय हो, जय हो। कितना सच्चा प्यार है आपका। एक औरत के लिए आप खून पे खून किए जा रहे हैं। वाह 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 वाह। अभी अभी मैंने सुना आज इंस्पेक्टर पांडे का भी उद्धार कर दिया आपने। वो कमीना इसी लायक था। जिस कली की रखवाली के लिए उसे रखा था उसी कली को मसलना चाहता था। राम राम राम। अच्छा हुआ साला मर गया। मगर सर, वो मरने से पहले आपके नाम एक चिट्ठी छोड़ गया था। जरा सोचिए इस चिट्ठी में क्या लिखा होगा। क्या लिखा होगा है? अपने किए पे पछता रहा होगा, मुझसे माफी मांग रहा होगा, और क्या लिखा होगा। अजी, मरने के बाद पछताने से क्या फायदा। मगर सोचिए, मरने से पहले उसने इस चिट्ठी में क्या लिखा होगा। नहीं नहीं, जरा सोचिए। मुझे बोर मत करो। ये क्या है कि इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है? चलो पढ़ो, एक बार सुनते हैं। जाते लिफाफे। माननीय मंत्री महोदय, ये मंत्री मंत्री क्या लगा रखा है, एक पैक बनाओ तो कुछ मजा आए। क्या बात, क्या बात है। मगर सोचने की बात है कि इसमें लिखा क्या होगा। मैं देता हूँ सरकार। छलकाए जाम आपके नाम। हाय 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 हाय, क्या बात है। जय हो, तू भी लगा ले। अबे कहाँ जा रही है? तुझे छोड़ूंगा नहीं। जरा इसको पकड़ना, मैं उसको पकड़ के लाता हूँ। अबे अबे रुक जाओ, जाने वाली रुक जाओ। कहाँ गई तो चिट्ठी? ये पानी में गिर पड़ी। डूबने नहीं दूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। न जाओ सैया छोड़ा। अरे कहाँ चली तू दुल्हनिया? पकड़ लिया सर, पकड़ लिया। ये मुझको छोड़ के भाग रही थी। आखिर मैं आपका पिए हूँ, थोड़ा पिए हुआ हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो पिए। अब देखिए, आप सोचिए इसमें क्या लिखा होगा। पढ़ो पढ़ो, मुझे छोड़कर भाग रही थी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब पढ़ू क्या, आधी तो पानी में धुल गई, बाथरूम में घुस गई थी ना ये उल्लू की पट्टी। आजा आजा आजा। माननीय मंत्री जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। आपके साथ ये बड़ा धोखा है। ये समझ नहीं आया। राजकुमारी आज उसे मैंने मैंने क्या कुछ कर दिया होगा। ये समझ नहीं आया। धुल गया। सावधान रहिएगा। वाह, देखिए इंस्पेक्टर पांडे की जरूरत, उल्टे सीधे काम खुद करे। और सावधान रहने के लिए आपको कह रहा, दिस इज टू मच नहीं, 3 मच सर। इसीलिए उस कमीने को खत्म कर दिया। बहुत अच्छा किया। अच्छा, अरे कहाँ चल दिए सरकार? अपनी हालत देखिए, काफी चढ़ी हुई है। मैं उस राजकुमारी से मिलके शादी की तारीख पक्की करके ही रहूंगा। राजकुमारी से? क्यों नहीं पहचाना मुझे?
मेरा नाम विजय वर्मा है। कई साल पहले मैं एक छोटे से गांव में डॉक्टर था। मेरा एक छोटा सा परिवार था, एक प्यारी बच्ची थी और एक सीधी सी पत्नी जिसे मैं बहुत प्यार करता था, उसे देवी मानता था। मगर आज मुझे पता चला कि वो देवी नहीं, एक उल्टा है, पत्नी के नाम पर एक कलंक है। नहीं, कुछ भी कहने से पहले एक बार सुन तो लीजिए कि सच क्या है। मैं जानता हूं सच क्या है। सच यह है कि तुम इतने वर्षों में मुझे एक बार भी जेल में मिलने नहीं आई। सच यह है कि उस दिन अदालत में तुम पर जो इल्जाम लगाए गए थे, तुमने उसे साबित कर दिखाया। सच यह है कि तुम उस मंत्री की प्रेमिका बनकर इस आलिशान महल में ऐश आराम की जिंदगी गुजार रही हो, और उस दिन मुझे सड़क पर देखकर भी पहचानने से इनकार कर दिया। यही सच है। फिलहाल तो मैं अपनी बच्ची को लेने आया हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पापों की छाया भी उस पर पड़े। आप किसे पाप कहते हैं? भरी अदालत में मुझे बच्चलन कहा गया, मेरे निर्दोष पति को खूनी ठहराया गया, और मैं सब कुछ चुपचाप देखती रही। अगर ये पाप है तो मैंने पाप किया है। मुझे वेश्या कहकर गांव वालों ने धक्के मारकर पुलिस के हवाले कर दिया, और मैं कुछ नहीं कर सकी। अगर ये पाप है तो मैंने पाप किया है। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का गला घोटकर उसका खून कर दिया, और मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी मुन्नी को मट्टी में दबा दिया। अगर और जब मैं इंस्पेक्टर की शिकायत लेकर मंत्री चरणदास के पास गई, तो उसने उसे सजा देने के बजाय मुझे सजा दी, मेरी इज्जत लूट ली। वाह वाह, बहुत खूब राजकुमारी जी। ये चरणदास दुनिया को बेवकूफ बनाता है, और आज तूने चरणदास को ही बेवकूफ बना दिया। कमीनी! मैं इसे जान से मार डालूं। नहीं, अगर इसका खूनी करना होता तो मैं कब का कर चुकी होती। लेकिन हमारा मकसद इसे मारना नहीं, इसे जिंदा रखना है। इसे भरी अदालत में बेनकाब करना है ताकि कानून इसका फैसला कर सके। कानून इसका फैसला क्या करेगा? कानून तो इसे बाइज्जत बरी कर देगा। इसका फैसला मैं। लुक हियर मिस्टर, आप कानून को हाथ में लेने की कोशिश मत कीजिए। इसे गिरफ्तार कर लो, ये मेरा खून करना चाहता है। हम गिरफ्तार जरूर करेंगे, लेकिन इनको नहीं, आपको। आपको पता नहीं मैं मिनिस्टर हूं? आप लोग मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अरेस्ट हिम। ठहरो।
मैं तुम लोगों को पुलिस की नौकरी से निकलवा सकता हूँ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। आप खुद चलकर जीप में बैठेंगे या मैं पकड़ कर ले जाऊं? देखो एक बात सुनो, तुम मुझे ले जाओगे, पुलिस स्टेशन में किसी का फोन आएगा, मैं छूट जाऊंगा, इससे अच्छा यही है कि मुझे यहीं छोड़ दो। हाँ तुम लोग जितना पैसा चाहते हो मैं दे सकता हूँ। शट अप, आपने हमको समझ क्या रखा है? मिनिस्टर साहब, हो सकता है आपने अपनी सत्ता और दौलत के जोर से कुछ पुलिस ऑफिसर्स को खरीद कर कानून के साथ खिलवाड़ किया हो, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि हमारे देश का कानून नाकारा है और सारी पुलिस फोर्स करप्ट है। हमारी पुलिस में ऐसे ईमानदार ऑफिसर्स भी हैं। अरेस्ट हिम। नमस्कार पत्रकार जी। नमस्कार बाबा। पत्रकार जी आज किसका केस है? मिनिस्टर चरणदास ने दो आदमियों का खून कर दिया है ना, उसी का केस चल रहा है। अच्छा, और सरकार की तरफ से भारती देवी लड़ने वाली है। वाह क्या बात है, फिर तो आज बड़ा मजा आएगा। और मंत्री चरणदास के गिरफ्तार होते ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए। हाँ। अरे कुछ ऐसे ही गंदे मंत्रियों की वजह से बेचारे अच्छे मंत्री भी बदनाम हो जाते हैं। करेक्ट, वेरी करेक्ट। बाबा ये गंदे मंत्री कौन है? योर ऑनर, ये मिस्टर चरणदास, जिनके लिए कल तक किसी को कत्ल कर देना एक चींटी को मसल देने से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था, और जो सत्ता के नशे में बदमस्त होकर सीना तान कर चलते थे, आज सत्ता की डोर हाथ से निकल जाने के बाद एकदम सहम कर सिकुड़ कर सिमट कर भीगी बिल्ली की तरह इस कटरे में खड़े हैं। बेचारे, मेरी शिकायत पर दिल्ली पुलिस की मदद से चरणदास जी को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद यहां की पुलिस ने ना कोई कार्रवाई की ना कोई तहकीकात, और फिर हमारे पुराने सरकारी वकील मिस्टर भारद्वाज सरकारी काम छोड़कर चरणदास की वकालत करने लग गए हैं। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन नए सरकारी वकील ने भी कुछ नहीं किया। ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि ये मुजरिम के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि ये केस किसी भी तरह कमजोर हो जाए और मुजरिम रिहा हो जाए। इन हालात में मुझे शक था कि सही इंसाफ नहीं होगा, इसलिए मैंने सरकार को अर्जी देकर इस केस को सरकार की तरफ से पेश करने की इजाजत ले ली है। ये देखिए, यस यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, मेरा ये आरोप है कि चरणदास ने सरपंच धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे का खून किया है। योर ऑनर, मेरे मवक्किल पर खून का इल्जाम तो लगाया गया है, लेकिन अब तक ना तो कोई सबूत मिला है और ना ही कोई गवाह सामने आया है। यहां तक के लाशों का भी पता नहीं चला है, और ना ही अब तक सरकारी वकील साहब ने अदालत में कोई रिपोर्ट पेश की है। इस मामले में प्रोसिक्यूशन का क्या कहना है? योर ऑनर, सरपंच धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे के घर वालों ने सिर्फ ये रिपोर्ट लिखवाई है कि वो लोग लापता हैं, पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उन लोगों का कुछ पता नहीं लगा। और सिर्फ लापता होने की बिना पर खून का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वाह, सरकारी वकील और वकीले सफाई क्या नाटक कर रहे हैं? ये नाटक नहीं है मैडम, कानून का सवाल है, इंसाफ का सवाल है। आप कहती हैं कि दो खून हुए हैं, अगर खून हुए तो लाशों को मिलना चाहिए, उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए और डॉक्टर की रिपोर्ट अदालत में पेश होनी चाहिए। यही खून के मुकदमे का तरीका है। बिना किसी ठोस सबूत के एक शरीफ और इज्जतदार आदमी को कानून के कटहरे में खड़ा कर देना ठीक नहीं है योर ऑनर। इसलिए अदालत से मेरी यह दरखास्त है कि मेरे मवक्किल पर चलाए गए इस बेबुनियाद मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। मालूम पड़ता है वकीले सफाई को जिंदा इंसानों से ज्यादा मुर्दों से लगाव है, तभी लाशों के बिना पर इतना जोर दे रहे हैं। अगर इन्हें लाशें देखने की इतनी तमन्ना है तो मैं इनका यह अरमान पूरा किए देती हूँ। वो लाशें अभी तक उसी जगह पर हैं जहां खूनी ने खून करने के बाद उन्हें जमीन में गाड़ दिया था। इससे पहले कि वो लाशें वहां से गायब कर दी जाएं, मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि इसी वक्त मेरे साथ चलकर उन्हें अपनी आंखों से देख लें। ठीक है, अदालत वहां जाएगी। बाबा आपका क्या ख्याल है, इतने दिनों के बाद वो लाशें वहां सही सलामत मिलेंगी? उन्हें कुत्ते और कीड़े नहीं खा गए होंगे? जरूर मिलेंगी। अरे कुछ ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस इतने सड़े हुए होते हैं कि उन्हें कुत्ते और कीड़े भी नहीं खाते, चाहे भूखे मर जाएं। तू यही पूछने वाला है ना कुत्ता कौन है? हाँ। तू
कॉरनर, यह सच है कि धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे की लाशें बरामद हुई हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि यह खून चरणदास जी ने किए हैं। योर ऑनर, यह एक वीडियो फिल्म है, इसे देखने से आपको साफ मालूम पड़ जाएगा कि खूनी कौन है और उसका मकसद क्या था। नो योर ऑनर, किसी भी अदालत में वीडियो फिल्म को सबूत नहीं माना जाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वसीयत के केस में वीडियो कैसेट को ठोस सबूत माना है। ये रही उसकी रिपोर्ट। मैं अदालत से प्रार्थना करती हूं कि ये वीडियो कैसेट यहां दिखाने की इजाजत दी। आई स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये वसीयत का नहीं खून का मुकदमा है। अदालत ने इस फिल्म को दिखाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत ये हुक्म देती है कि दोपहर के सेशन में ये वीडियो कैसे दिखाने का इंतजाम किया जाए। बाबा आपको पता है इस फिल्म का हीरो और हीरोइन कौन है? तेरी माँ और तेरा बाप। क्या बात है, मेरा बाप कौन है? मैं नहीं हूं। चरणदास जी, अभी जो शख्स वीडियो पे खून करते हुए देखा गया, क्या वो आप ही थे? हूं तो मैं ही, लेकिन लेकिन ये सब कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूर मेरे साथ कुछ धोखा किया गया है। योर ऑनर, इस वीडियो फिल्म का होना इस बात का सबूत है कि किसी को पहले से ये पता था कि खून होने वाले हैं, इसलिए मौका वारदात पर उन्होंने पहले से ही वीडियो कैमरा लगाकर रख दिया, अपनी आंखों के सामने खून होते हुए देखे और फिल्म उतार ली। और इस फिल्म की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं मिस जूली। यह सबूत नहीं है योर ऑनर, बल्कि मेरे मवक्किल को फंसाने की एक घिनौनी साजिश है, चाल है। यस मिस्टर भारद्वाज, ये सच है, ये फिल्म एक चाल है। योर ऑनर, इस फिल्म में जूली का रोल अदा करने वाली इस औरत का असली नाम जूली नहीं है, ये मिस्टर भारद्वाज भी जानते हैं, सरकारी वकील भी जानते हैं और चरणदास भी जानते हैं, मगर पूरे मुकदमे के दौरान इन्होंने कभी यह जाहिर होने नहीं दिया कि ये इस बात को जानते हैं, क्योंकि इनको डर था कि ये जाहिर होने से कहीं वो खुद न फंस जाए। इसका असली नाम है आरती वर्मा। मिस जूली, क्या ये सब सच है? हाँ जज साहब, ये सच है। मैं वही आरती वर्मा हूं जिसके बेकसूर पति को कानून के खिलाड़ियों ने खूनी ठहराकर जेल भिजवा दिया था। मैं वही आरती वर्मा हूं जो धर्म, समाज और भगवान से डरकर जीती थी, पर मुझ अभागन को गांव के सरपंच ने वैश्या ठहराकर मेरी छोटी सी बच्ची के साथ गांव से बाहर निकाल दिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था। मैं वही आरती वर्मा हूं जिसने उस पुलिस ऑफिसर से इंसाफ मांगा, बदले में उसने मेरा शरीर मांग लिया। जब मैंने उसका विरोध किया तो उस राक्षस ने मेरी आंखों के सामने मेरी फूल जैसी बच्ची का गला घोट कर उसे मार डाला। मैं वही आरती वर्मा हूं जो अपनी बच्ची की लाश हाथों में लिए इस मंत्री के पास ये सोचकर गई थी कि ये अबलाओं का रक्षक है, मेरी भी रक्षा करेगा, मुझे इंसाफ दिलाएगा, पर इसने मुझे झूठा आश्वासन देकर मेरी हमदर्दी के साथ मेरी बच्ची का अंतिम संस्कार करवा दिया। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि ये बाद में मेरी पवित्रता और सतीत्व का भी अंतिम संस्कार कर देगा। पति जेल चला गया, बेटी धरती की गोद में सो गई और मेरा सतीत्व इस वैश्य दरिंदे के भेंट चढ़ गया। मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई, अपनी बेकार, बेमानी
और बदनाम जिंदगी को खत्म करने के लिए जब मैं आत्महत्या करने गई तो इस न्याय की पुजारी ने आकर मुझे बचा लिया। वो मेरा दुख अपना दुख समझकर मुझे इंसाफ दिलाने के लिए इसी अदालत की वेदी पर ले आई। फिर भी क्या मुझे इंसाफ मिला? नहीं जज साहब, नहीं, मुझे सिर्फ सजा मिली उन गुनाहों की जो मैंने नहीं किए थे। इसी अदालत में मुझे वैश्य कहा गया, अपनी ही बेटी की हत्यारन कहा गया और मुझे काल कोठरी में डाल दिया गया। मुझे वो सजा देने वाले महान न्यायाधीश और कोई नहीं थे जज साहब, आप थे, आप। यस योर ऑनर, इसे सजा इसलिए हुई कि इन लोगों के पास सारे सबूत थे और इसके पास सिवाय सच के और कोई सबूत नहीं था। और अदालत को तो सबूत चाहिए ना। जज साहब, अगर आपके सामने भगवान भी आकर इस कटहरे में खड़े होकर कहें कि मैं भगवान हूं तो आप पूछेंगे इसका सबूत क्या है? आपके लिए तो सच वही है जिसका सबूत है। योर ऑनर, हर समझदार अपराधी सबूत को अपराध के बाद ही मिटा देता है, इसलिए सबूत नहीं मिलते हैं, पैदा करने पड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि धर्मराज और चरणदास जैसे लोग सच को छुपाने के लिए सबूत पैदा करते हैं और मैंने सच को दिखाने के लिए सबूत पैदा किए हैं। उनमें सबसे अहम सबूत है ये वीडियो कैसेट। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस वीडियो कैसेट को देखने के बाद ये साफ जाहिर हो जाता है कि ये दोनों खून किसने किए हैं और क्यों किए हैं। योर ऑनर, इसके बाद भी अगर आप इंसाफ न कर सके तो भगवान के लिए इस अदालत को आप बदनाम कीजिए। सत्यमेव जयते की इज्जत नहीं रख सकते तो इसे मिटाकर लिखवा दीजिए कि यहाँ झूठ की जीत होती है। सच बोलने वालों को सजा दी जाती है, इंसाफ मांगने वालों को जेल भेज दिया जाता है, जैसे कि आज तक आरती वर्मा के साथ होता रहा है। लेकिन अब मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर अदालत से इसे इंसाफ नहीं मिला तो ये वीडियो फिल्म सारी जनता को दिखाई जाएगी, पार्लियामेंट में पेश की जाएगी, सारी दुनिया के सामने लाई जाएगी। इस बार मैं आरती को इंसाफ दिलाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। That's all your honor. वाह, बहुत खूब, क्या सुंदर और मजबूत दलील पेश की है भारती देवी ने। अरे कानून की किताब हाथ में लेकर इतनी बहादुरी से लड़ी है, अगर कहीं इसके हाथ में तलवार आ जाती तो झांसी की रानी बन जाती। करेक्ट करेक्ट। ये झांसी की रानी कौन थी? मुझे भी अपने जैसा बना दिया। मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न। डैडी। हाँ? मुझे देखकर ताजुब हो रहा है। मैं वही भारती हूँ डैडी, जिसने एक दिन ये घर छोड़ते हुए कसम खाई थी कि बेटी बाप के घर में कभी कदम नहीं रखेगी। अच्छा किया बेटे जो तुम आ गई। मैं एकदम अकेला हो गया हूँ बेटी। लेकिन आज एक बेटी अपने बाप के घर नहीं आई है, एक वकील इंसाफ लेने के लिए जज के घर आई है। फिक्र मत करो बेटे, इस बार तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। ये कैसे हो सकता है डैडी? क्या मैं आपके उसूलों को नहीं जानती? आपके लिए तो इंसाफ बाजार में नीलाम होने वाली चीज है, और ये कीमती चीज आप सिर्फ उसी को बेचते हैं जो सबसे ऊंची बोली लगाए, जो सबसे ज्यादा कीमत दे। इसीलिए आज मैं अपनी सारी कमाई लेकर इंसाफ खरीदने आई हूं, आपको रिश्वत देने आई हूं। ये लीजिए डैडी, आज तक आपने जो रिश्वत ली है वो सच को झूठ कहने के लिए ली है, मगर आज मैं जो रिश्वत दे रही हूं वो निर्दोष को निर्दोष, खूनी को खूनी ठहराने के लिए दे रही हूं, सच को सच कहने के लिए दे रही हूं। हाँ। मैं जिंदगी भर रिश्वत लेता रहा हूं, अपनी जिंदगी को, अपने आप को बेचता रहा हूं। इस रिश्वत की वजह से तेरी मां घुट घुट के मर गई, इसी रिश्वत की वजह से तू मुझे छोड़कर चली गई, और आज इस धन की लालच में मैं इतना गिर गया हूं कि मेरी अपनी बेटी मुझे रिश्वत देने आई है। लेकिन विश्वास रखो बेटे, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा और वही फैसला होगा
जो सच्चाई के हक में है, इसे लेके जाओ। लो। थैंक यू डैडी। लेकिन फिर भी डैडी, कल फैसला होने तक इन पैसों को अपने पास ही रहने दीजिए। ठीक है बेटी, अगर तुम इसे यहां छोड़कर जा रही हो तो इसके साथ एक शहर की पुड़िया भी छोड़ती जाओ। डैडी, उस बाप का जहर खा के मर जाना ही अच्छा है जिसकी अपनी बेटी उस पर विश्वास न करती हो। डैडी। साहब, हमारे दोस्त चरणदास जी को तो चीफ मिनिस्टर ने मंत्रिमंडल से पहले ही निकाल दिया है। ऊपर से अगर अदालत में यह साबित हो गया कि चरणदास जी अपराधी हैं, हमारी तो कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी साहब। अब इन हालात में अगर आप अपनी बेटी की खातिर अचानक हरिश्चंद्र सत्यवादी बन जाएंगे और उनके खिलाफ गलत फैसला सुनाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी साहब। बेटी की खातिर नहीं, सच्चाई की खातिर। आज तक मैंने जो गुनाह किए हैं उनके प्रायश्चित की खातिर। अब वही होगा जो मेरी अंतरात्मा कहेगी। ससुर जी, इस दुनिया में तो वही होता आ रहा है जो हम जैसे लोग चाहते हैं, और हमें अपने काम कराने के तमाम रास्ते मालूम हैं। और आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, सुना तो जरूर होगा कि मार के आगे भूत भी भागता है। पैसे की मार खा खा के मेरी खाल इतनी मोटी और बेशर्म हो गई है चिरौंजी लाल, कि अब किसी मार का असर नहीं होगा। मैं अब वही फैसला दूंगा जो सही है, और मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। महाशय, फैसला तो आप तब सुनाएंगे जब आप अदालत तक पहुंचेंगे। कल आपकी जगह आपका इस्तीफा जाएगा। मैं इस्तीफे पे दस्तखत हरगिज नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ससुर जी, आपकी बुद्धि तो भ्रष्ट होती जा रही है। आपसे किसने कहा कि दस्तखत आप करेंगे? दस्तखत आप नहीं करेंगे। हमारे पास इतने जो जाली दस्तखत करने वाले बैठे हैं वो किस दिन काम आएंगे? पहलवान, हमारे ससुर जी हैं, जरा इनको अंदर ले जाओ और मिठाई खिलाओ। जस्टिस SD माथुर का इस्तीफा। भूतपूर्व मंत्री श्री चरणदास के खिलाफ अदालत में जो मुकदमा चल रहा था उसका फैसला आज जस्टिस SD माथुर सुनाने वाले थे, मगर उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया जिसकी वजह उनकी बीमारी बताई गई है। बीमारी? कुछ लोगों का कहना है कि इस्तीफे का असली कारण उनकी बीमारी नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव है। अब नए न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद ये मुकदमा फिर से शुरू किया जाएगा और वही इस बात का फैसला करेंगे कि श्री चरणदास अपराधी है या नहीं। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे कोई चाल है। भारती। आप? हाँ मैं। ताज्जुब हो रहा है मुझे यहाँ पर देखकर, पर भारती तुमने ठीक ही कहा था, मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। भारती, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये फूल किस खुशी में? तुम्हें पता नहीं मैं मंत्री बन गया हूँ भाई। आई हैव बिकम अ मिनिस्टर नाउ। आखिर आपका अरमान पूरा हो ही गया। जी हाँ, लेकिन मेरा इस मंत्री पद पर कायम रहना तुम्हारे हाथों में है देवी। भारती, ये देखो हमारे पासपोर्ट्स, ये हवाई जहाज के टिकट्स। चलो 2-3 महीने के लिए सारी दुनिया की सैर कराते हैं। बहुत दिन तुमसे अलग रहा हूं, अब सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मेरे साथ रहना चाहते हो या मुझे यहां से दूर रखना चाहते हो ताकि मैं चरणदास का ये केस न लड़ सकूं? हाँ, आखिर वकील हो ना, हर बात अपने आप समझ जाती हो। बहरहाल मुझे खुशी है कि मेरी पत्नी इतनी समझदार औरत है। और मुझे अफसोस है कि मेरा पति इतना गिरा हुआ आदमी है। देखो भारती, तुम फिर से जिद करोगी और चरणदास के खिलाफ अगर केस लड़ोगी तो ये कुर्सी जो बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है मेरे हाथ से निकल जाएगी। तुम मेरी पत्नी होकर मेरी तरक्की के दुश्मन क्यों बनती हो? सच और इंसाफ की लाश पर अपनी तरक्की का महल बनाने वाला आदमी मेरा पति नहीं हो सकता। गेट आउट। लेकिन भारती, मेरी बात
जाते हो या वॉचमैन को बुलाओ। जिसको चुना था जीवन साथी आज वो निकला कातिल। जिसको चुना था जीवन साथी आज वो निकला कातिल। चारों तरफ अंधेर मचा है, पानी महंगा सस्ता हूं, कोई बताए ये है कैसा कुदरत का कानून, कैसा कुदरत का कानून। को इन लोगों ने इसलिए गायब कर दिया ताकि वो सच्चाई के हक में फैसला न सुना सके, और इस भली औरत को इसलिए मार दिया ताकि दोबारा ये इन लोगों के खिलाफ अदालत में जाकर मुकदमा न लड़ सके। अब नए जज साहब आएंगे तो क्या फैसला सुनाएंगे, यही कि चरणदास जी निर्दोष हैं, अदालत उन्हें बाइज्जत रिहा करती है और ऑर्डर ऑर्डर का हथौड़ा लगाकर जल्दी पकड़ेंगे। नहीं बाबा नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस मकसद के लिए इस देवी ने अपने प्राणों की आहुति दी है उसे हम पूरा करेंगे। हम इन्हें दोबारा अदालत तो नहीं ले जा सकते, लेकिन इनकी आवाज को जनता की अदालत तक तो पहुंचा सकते हैं। जज साहब इस केस का फैसला सुनाने वाले हैं। अगर फैसले में न्याय नहीं हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? तो फैसला हम करेंगे, फैसला हम करेंगे। हमें सही इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ। हमें सही इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ। सारे गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एक वीडियो कैसेट के अलावा इस बात का और कोई सबूत नहीं मिला कि मिस्टर चरणदास ने सरपंच धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे का खून किया है। वीडियो कैसेट एक फिल्म की तरह है
और ये सभी जानते हैं कि फिल्मों में डुप्लीकेट और मास्क का बहुत सफाई से इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि इस फिल्म में भी किसी डुप्लीकेट ने श्री चरणदास का मास्क पहनकर ये दोनों खून किए हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये अदालत श्री चरणदास को संदेह का लाभ देते हुए बा इज्जत रिहा करती है। मुबारक हो चरणदास जी, मुबारक हो। आइए आइए, लाइए हार लाइए। हाँ ये लीजिए मंत्री जी। हाँ ये आपके न्याय के लिए। हाँ,
ये खून किसने किए हैं? ये खून या